नमस्कार, भारतीय पुनर्वास परिषद के नौशिखर चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अमित शर्मा। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस एंड टूल्स यूज्ड इन टेस्टिंग एमआर के बारे में। यानी हम आज बात करने जा रहे हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बारे में। अक्सर हमको अपने सोसाइटी में, अपने आसपास ऐसे लोग दिख जाते हैं जो कि फिजिकली देखने में तो पूरी तरह से फिट होते हैं, लेकिन उनके बिहेवियर में कहीं न कहीं कुछ कमी होती है। हमारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं, वो इस चीज को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का नाम देते हैं। यानी वो हमारी तरफ से पूरी तरह से काबिल होने के बावजूद, लेकिन इंटेलेक्चुअली अपने पूरी एबिलिटी को यूज नहीं कर पाते। उनकी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की वजह से उनके जो फंक्शंस होते हैं उनमें काफी गिरावट देखी जाती है। वो हमारी तरफ से सामान्य जिंदगी नहीं जी पाते हैं। आज हम इसी बात को समझने की कोशिश करेंगे कि ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्या होती है और इनकी वजह से ऐसे लोगों की जिंदगी पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है। और खास करके हमारा फोकस इस बात पर भी रहेगा कि ऐसे लोगों की जिंदगी को ज्यादा बेहतर बनाने के लिए हम कर क्या सकते हैं। और अपनी चर्चा को शुरुआत करने के पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि इस सब्जेक्ट पर आज हमारे साथ हैं एक हमारे एक्सपर्ट के एन ओझा जी। आपका स्वागत है सर हमारे कार्यक्रम में। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं और अपने एक्सपर्ट से इस बात को समझने की कोशिश करें कि ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्या होती है, मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे एक्सपर्ट से इस मुद्दे पर कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहें तो आपका स्वागत है। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं पूरे प्रोग्राम के दौरान और हमारे एक्सपर्ट आपके सवालों के जवाब देंगे। नोट करिए हमारे नंबर्स जिन पर कि आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर 1800-11-2008, हमारा फोन नंबर 011-265-11611 और हमारा फैक्स नंबर 011-265-11609। हमारी ईमेल आईडी rehabstt@ndc.vsnl.net.in और हमारी वेबसाइट www.rehabcouncil.nic.in। आइए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। सर, सबसे पहले तो जो हमारे टॉपिक का सबसे पहला पॉइंट है कि कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस, ये कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस को हम किन मुद्दों में हम इस चीज को समझने की कोशिश कर सकते हैं। हम नॉर्मली हम ये मानते हैं इंटेलिजेंट आदमी है, वो एक नॉर्मल वर्ड है जो कंटिन्यू हम यूज करते हैं अपने बच्चे के लिए, हमारा बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है। लेकिन यहाँ पर खास करके जब हम इंटेलिजेंस वर्ड का जो हम यूज कर रहे हैं तो उससे हमारा क्या मतलब है। सबसे पहले तो ये समझ लें, चाहे विकसित देश हों या विकासशील देश हों, इस तरह की डिसेबिलिटी फील्ड में काफ़ी काम हो रहा है और विशेष करके साइकोलॉजिकल सर्विसेज और एजुकेशनल सर्विसेज में बहुत आगे बढ़ चुके हैं हम लोग। अगर मानसिक मंदता की बात करें, मानसिक अक्षमता की बात करें, जिसको कि हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का नाम देते हैं, पहले मेंटल रिटार्डेशन की बात होती थी जिसको मंद बुद्धि भी कहा जी। इसमें साइकोलॉजिकल सर्विसेज बहुत ही महत्व रखती है, खास करके बुद्धि क्या है और बौद्धिक विकास या बौद्धिक क्षमता किस तरह से आंकी जाएगी, उसी के आधार पर हम इसमें देख सकते हैं कि इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड लोग किस स्तर के हैं, उनके साथ क्या काम करना चाहिए। तो इसके पहले कि हम स्तर का आकलन कर पाए, हम ये समझ लें कि आफ्टर ऑल बुद्धि किसे कहते हैं जी। बौद्धिक क्षमता की बात हम करते हैं, बौद्धिक क्रियात्मकता की बात करते हैं, ना कि बुद्धि की बात करते हैं। सामान्य रूप से अगर देखा जाए, पहला स्लाइड अगर आप उस पर ध्यान देंगे तो बात स्पष्ट और हो जाएगी कि क्यों इस टॉपिक को लिया गया है जी। Nowhere there is a more pressing need for psychological and educational services, including diagnosis, prognosis, education and mainstreaming, than in the area of habilitation for persons with intellectual disability. तो ये बात तो माननी पड़ेगी, सब लोग मानने लगे हैं कि बौद्धिक अक्षमता में psychological services की आवश्यकता होती है। और जब बुद्धि की बात कही गई है तो बुद्धि का आकलन करना भी आवश्यक होगा। इसके पहले कि हम लोग आकलन की बात करें, जरा ये समझ लें कि आफ्टर ऑल किसका आकलन करेंगे जी, जी। किस क्षमता का आकलन करेंगे, अर्थात बुद्धि है क्या, बुद्धि को कैसे समझा जाता है, उस पर गौर करेंगे। तो
में बात समझ में आएगी। देखिए दूसरा स्लाइड अगर ध्यान देंगे, अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ इंटेलिजेंस एंड इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग। एक तो इंटेलिजेंस है क्या और किस रूप में काम कर रहा है व्यक्ति में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस कंटेक्स्ट में, इसमें सोचने के लिए जी। नेक्स्ट स्लाइड हम देखते हैं। अब बात आएगी कि अगर बुद्धि की चर्चा हो रही है तो बुद्धि को कैसे और किस रूप में समझा गया वो जरा देखते हैं। स्लाइड पर ध्यान दीजिएगा। डिक्शनरी मीनिंग रेफर्स टू द इंडिविजुअल्स मेंटल कैपेसिटी टू कॉम्प्रिहेंड आइडियाज एंड रिलेशनशिप एंड एक्सरसाइज जजमेंट। एक तो ये है कि हम विचारों को कैसे समझ पाते हैं, किस तरह से उसको हम आपसी संबंध में उसका उपयोग करते हैं और परिस्थितियों को का आकलन किस तरह से करते हैं, ये बुद्धि का समझना है, खास करके अगर डिक्शनरी मीनिंग देखते हैं तो। और दूसरा ढंग देखिए, दूसरे स्लाइड में देखिए, इंटेलिजेंस इज द पावर टू लर्न एंड टू थिंक। याद करना, सोचना, विचार करना, ये बुद्धि का काम है। इट इज द एबिलिटी फॉर कॉम्प्रिहेंडिंग एंड रीजनिंग विथ फैक्ट्स। किस तरह से कोई चीज देखी जाए, कोई चीज सुनी जाए, कोई चीज सामने आए तो उसको किस तरह से हम समझ पाते हैं और उसका तर्क संगत विचार क्या है उसको भी हम ध्यान देते हैं फैक्ट्स को देखते हुए। ये इंटेलिजेंस की बात कही गई, सामान्य रूप से बात हो रही है अभी। और देखिए क्या है दूसरे स्लाइड में, इंटेलिजेंस इज पर्सन्स एबिलिटी टू इन वाइड रेंज ऑफ टास्क। कितने काम होते हैं जिसमें बुद्धि की आवश्यकता होती है, जैसे शब्दावली, वोकैबुलरी, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, जो भी सूचनाएं मिलती हैं उसको किस ढंग से हम रखते हैं और कैसे उपयोग करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल, किस तरह से हम अपनी अपने विचारों को अन्य के सामने रखते हैं, अन्य के विचार किस तरह से हम ग्रहण कर पाते हैं, सोचना, थिंकिंग, रीजनिंग, जजमेंट, इन्वेंटिवनेस, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड यूटिलाइजेशन ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस। हमने जो कुछ सीखा, जो कुछ धारण किया है उसका समय समय पर किस तरह से उपयोग करते हैं, ये भी बुद्धि का ही काम है जी। देख लीजिए कितना वृहद है ये रूप। और देखिए, अगर इतना सारा काम है तो किस पर आधारित होती है बुद्धि वो जरा हम लोग देखते हैं। थ्री एट्रीब्यूट्स आर इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स इन ह्यूमन इंटेलिजेंस। हम लोग अपनी ही तो बात कर रहे हैं इसलिए ह्यूमन इंटेलिजेंस की बात हो रही है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की बात हो रही है उसमें भी हम ह्यूमंस की ही बात कर रहे हैं। तो देखते हैं कि क्या क्या प्रमुख चीजें होती हैं जिस पर हमारी बुद्धि आश्रित रहती है, कैसे हम पकड़ पाएंगे। पहला है सेट ऑफ ब्रेन वन इज बॉर्न विथ। हम क्या लेकर के आए हैं माता पिता से, जो हमें मिला है मस्तिष्क, वो कैसा है, कितना विकसित हुआ है, ग्रोथ एंड मैच्योरेशन ऑफ द ब्रेन ड्यूरिंग चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस। अब ये देख लीजिए कि बचपन में और शैशवावस्था में जाते जाते हमारे ब्रेन का विकास हो जाता है, इसका मतलब यही है जी। तो एक तो हम क्या लेकर के आए और उसका विकास कैसे हुआ वो हम देखना चाहेंगे। तीसरी बात है अपॉर्चुनिटीज द पर्सन रिसीव्स टू ऑब्जर्व एंड टू एक्ट एंड लर्न। हम तो लेकर के आए सब कुछ, लेकिन देखें कि कितना उसका उपयोग हो पाया है, उस बुद्धि का जो कुछ भी हमारे मस्तिष्क में है उसका उपयोग क्या हो, किस हद तक हो पाया है, उस पर निर्भर करता है, करती है हमारी बुद्धि। अब आइए, ये तो सामान्य रूप से बातें हो गई, अब हम बात करेंगे जो एक्सपर्ट हमारे जिन्होंने बौद्धिक क्षमता या बुद्धि पर काम किया है, बुद्धिमापन पर काम किया है, उन लोगों के क्या विचार है उसको हम जरा देख लेते हैं। इनमें दो प्रमुख नाम आते हैं, वैसे नाम तो बहुत हैं, लेकिन एक है अल्फ्रेड बीने, दूसरा है डेविड वेक्सलर। बुद्धि और बुद्धिमापन में इन दोनों से ज्यादा किसी ने काम नहीं किया, तो इनका क्या मानना है और क्या सोच करके इन्होंने
बौद्धिक क्षमता का मापन किया किस तरह से। अल्फ्रेड बीने क्या कहते हैं, वो जनरल इंटेलिजेंस के बारे में बात कह रहे हैं। इट इज ए ट्रेट दैट डेवलप्स विथ एज, जैसे जैसे हम विकसित होते हैं उसी तरह से उसी रूप में बुद्धि का विकास होता है। इट इज एन अंडरलाइंग कैपेसिटी, अपने अंदर एक क्षमता होती है किस काम के लिए, सीखने के लिए, टू लर्न, एंड इज ए मेजर ऑफ व्हाट कुड बी लर्न इन द फ्यूचर, क्या हम सीख रहे हैं और आगे चल करके क्या सीखेंगे इसका भी प्रेडिक्शन हो जाता है, भविष्यवाणी हो सकती है, इनका कहना है। अगर ये तीनों बातों को समझ लेंगे, फिर से हम दोहरा देते हैं, इट इज ए ट्रेट दैट डेवलप्स विथ एज, धीरे धीरे डेवलप होता है। और पहले भी हम लोग बात कर चुके थे कि चाइल्डहुड और एडोलेसेंस में इसका विकास फास्ट और ऑलमोस्ट पूर्णतः हो जाता है। दूसरा है, इट इज एन अंडरलाइंग कैपेसिटी टू लर्न, एक क्षमता हमारे अंदर होती है जो मस्तिष्क के द्वारा गवर्न होती है सीखने की, और किस तरह से सीखी हुई चीजों को हम भविष्य में उपयोग में ला सकते हैं, ये बात इन्होंने कही है। सर यहाँ पर एक चीज मैं थोड़ा सा और समझना चाहूंगा, जैसा कि अभी आपने बताया कि पूरी तरह से विकसित हो जाता है ऑलमोस्ट, तो yes. यहाँ पर थोड़ा सा ये समझना महत्वपूर्ण है कि ये मस्तिष्क एज अ ब्रेन एज अ पार्ट ह्यूमन ऑर्गन, इसके अकॉर्डिंग उसके डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं या इंटेलिजेंस जो समझने की हमारी तार्किक जो क्षमता है इन सब के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। अगर बुद्धि का भौतिक रूप देखें तो मस्तिष्क की ही बात होती है जी, और उसका क्रियान्वयन देखिए तो मस्तिष्क और हमारे वातावरण का की महत्ता ज्यादा हो जाती है। तो मस्तिष्क लेकर के मान लीजिए हम आए हैं, अगर वातावरण हमें सुचारू रूप से नहीं मिला खास करके एडोलेसेंट एज तक, तो हमारी बुद्धि सो कॉल धरी की धरी रह जाएगी, ये कहा जाता है। इसीलिए तो एक तो हम जैसे ही पैदा होते हैं तो माँ बाप के संपर्क में आते हैं, परिवार के अन्य लोगों के संपर्क में आते हैं, आस पड़ोस के संपर्क में आते हैं, स्कूल में अपने हम उम्र के साथ रहते हैं, टीचर्स हमें सिखाते हैं, बुक्स हमें सिखाती है और लोग सिखाते हैं, परिस्थितियां भी हमें सिखाती हैं। ये सारी चीजें, अर्थात जितना ही हमें मिलेगा उतना ही जो कुछ हम लेके आए उसका विकास संभव। ये कहीं ना कहीं इस बात पर भी इशारा करता है जो कि हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि जितनी अच्छी संगत में जितनी ऊंची सोहबत में आदमी बैठता है उसी तरह की चीजों को सीखता है। एक कहीं ना कहीं एक हमारे पेरेंट्स के लिए एक कहें कि सजेशन भी है कि अपने बच्चे को जितना एज मच पॉसिबल हो सके वो बाहर के वातावरण अच्छे वातावरण नई चीजों के बच्चे को रूबरू कराएं जिससे कि उनकी बौद्धिक क्षमता में विकास होता रहे। बहुत अच्छी बात है, लेकिन बात यहाँ आ गई, हम जब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के रेफरेंस में बात करते हैं तो ब्रेन जो फिजिकल सब्सटेंस है जी, जी. उसको भी हमें समझना पड़ेगा जी. अगर ब्रेन हम लेकर नहीं आए, हमारा ब्रेन विकसित नहीं हुआ है पूर्ण रूप से, तो हमारा वातावरण अगर होगा भी तो हम उतना नहीं सीख पाएंगे, उतना धारण नहीं कर पाएंगे और आवश्यकता पड़ने पर हम उसको व्यवहार में परिवर्तित नहीं कर पाएंगे। जैसा कि आपने कहा कि वो फिजिकल सब्सटेंस ही अगर किसी तरह से वीक रह गया, डेवलपमेंट बच्चे के माइंड के ठीक से नहीं हो पाया, तो सीखने की क्षमता जो है निश्चित रूप से उसी के अकॉर्डिंग जितना कि अब ब्रेन के डेवलपमेंट में कमी रह गई है वो सीखने में भी हमको दिखाई पड़ेगी उस तरह की कमी, या कह लीजिए सीधे दूसरे शब्दों में बौद्धिक विकास हमारा पिछड़ा रहेगा, कम रहेगा जी, ये बात आ गई। अर्थात दो चीजें बहुत आवश्यक है, एक तो भौतिक रूप उसका और उसका वातावरण से जो कुछ भी मिला है एक्सरसाइज हुआ है, वो दोनों चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है बुद्धि और बौद्धिक क्षमता के लिए जी, जी। किसी एक को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। जहां हमने बताया कि एक दो प्रमुख लोग हैं, एक अल्फ्रेड बीने, दूसरे डेविड वेक्सलर। अब देख लीजिए डेविड वेक्सलर साहब क्या कह रहे हैं। फॉर डेविड वेक्सलर, जरा हम स्लाइड पर जाएंगे, डेविड वेक्सलर, इंटेलिजेंस इज ए ग्लोबल कैपेसिटी ऑफ द इंडिविजुअल टू एक्ट पर्पसफुली, टू थिंक रैशनली एंड टू डील इफेक्टिवली विद द एनवायरमेंट।
ये तीनों चीजें इन्होंने बताई, तीनों विशेषताएं बताई हैं बुद्धि की। लेकिन वही बात जो हम लोग पहले बात कर चुके थे कि अगर ब्रेन नहीं है तो ये तीनों क्रियाएं उतनी नहीं हो पाएगी। हम पर्पसफुली एक्ट नहीं कर पाएंगे, हम सोच नहीं पाएंगे तर्कसंगत रूप से, और वातावरण में जो भी परिस्थितियां आएंगी उसको हम उसका समाधान नहीं कर पाएंगे, रुक जाएंगे या गलत निर्णय लेंगे, गलत समझ बैठेंगे। ये होता है, ये पॉसिबिलिटीज हैं। इन्हीं आधार पर आगे चलकर इन्होंने जो टूल्स बनाए हैं या बुद्धि को किस तरह से मापा जाएगा, यही उनका आधार, यही सोच है। तो इसको हमको समझ लेना आवश्यक है। दरअसल एक बार पीछे चले जाते हैं, डेविड विक्सलर ने क्या कहा, क्योंकि इन्हीं का जो टूल की चर्चा आगे हम करेंगे इन्हीं तीनों मुद्दों पर आधारित है, इतनी बेसिस के ऊपर उन्होंने टूल्स डेवलप किए। जैसे विनय ने कहा है, जनरल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, केवल किताबों से सीखने की बात नहीं हो रही। इज ए ट्रेट दैट डेवलप्स विद एज, इसलिए एज अप्रोप्रिएट टास्क होगा, एज अप्रोप्रिएट प्रॉब्लम होगा, उसको हम मेजर करेंगे तब समझेंगे कि हम अपने आयु के अनुकूल बौद्धिक क्रिया कर रहे हैं, अर्थात तुलनात्मक अध्ययन होगा जी। हमारी बुद्धि कितनी है हम तभी समझेंगे जब हमारे जैसे लोग, आई एम रेफरिंग टू चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट, हमारी उम्र वाली बात नहीं है। ऐसा माना जाता है कि एडोलेसेंट एज खत्म होते होते हमारी बौद्धिक विकास पूरा हो जाता है जी। तो ये देख ली एज की बात कही है, इज एन अंडरलाइंग कैपेसिटी टू लर्न। अगर हमारा ब्रेन ठीक होगा, हमारी बुद्धि ठीक होगी, अनुकूल होगी आयु के, तो हम सीखेंगे, चाहे हम अपने वातावरण में, चाहे स्कूल की बात करें, चाहे कोई भी बात करें। तीसरी बात है कि आगे चलकर के हम क्या कर सकते हैं भविष्य में, ये तो इन्होंने कहा, डेविड विक्सलर ने थोड़ी और उसको डिफाइन कर दिया, ये कहा कि बुद्धि क्या है। बुद्धि यही है कि हम उसके माध्यम से हम पर्पसफुली उद्देश्यपूर्ण क्रिया करते हैं, अनर्गल क्रिया नहीं करते, जिसको कि गोट अनकोट कभी कभी हम पागल कह देते हैं, और जो सोच विचार हमारा होता है वो भी तर्क संगत होता है, और कोई भी समस्या आ गई उससे निपटेंगे कैसे वो भी बुद्धि का ही काम है और सीखते हैं। अब हमारे ख्याल से हमारी भूमिका बन गई है। इसके बाद हम दूसरा जो पार्ट आता है वो आता है टूल्स की बात हम लोगों ने कही थी ना जी। तो अगर बुद्धि जो हम लोग समझ पाए वही है तो उसको उसका आकलन कैसे कर सकते हैं, देखें कोशिश करें लोगों ने क्या क्या किया है। उसी को साइकोलॉजिकल असेसमेंट को एक टर्म दिया है, साइकोमेट्रिक्स, साइकोलॉजिकल मेट्रिक्स जिसको कहते हैं, साइकोलॉजिकल असेसमेंट कहते हैं। क्या है, क्या स्लाइड पर जाएंगे, इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सिस्टमैटिक कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशन ऑफ द डाटा ऑन स्टैंडर्ड साइकोलॉजिकल टूल्स। जो साइकोलॉजिकल टूल्स होंगे इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए वो स्टैंडर्डाइज्ड होंगे, ऐसा नहीं कि कुछ भी आया उसको हमने कर दिया। स्टैंडर्डाइजेशन का एक प्रोसेस होता है, लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है, वो आगे कभी चर्चा होगी तो देखेंगे। उसके बाद टू मेक इंस्ट्रक्शनल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड गाइडेंस डिसीजंस फॉर द इंडिविजुअल हु इज इन नीड फॉर द सेम, चाहे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की बात करें, चाहे सामान्य लोगों की बात करें। कभी कभी तो आवश्यकता पड़ती है, जैसे मैं एक उदाहरण दूंगा कि हमारा सामान्य बच्चा है, सामान्य स्कूल में जा रहा है, पढ़ाई उसकी हो रही है, लेकिन टीचर ने ऑब्जर्व किया कि बच्चा जिस स्पीड से सीखना चाहिए, जिस स्पीड से उसको याद करना चाहिए, जिस स्पीड से आवश्यकता पड़ने पर उसको याद करके और उसका जवाब लिखना चाहिए, कर नहीं पा रहा है। तो क्या बात है, कहीं ये बौद्धिक क्रियाएं हैं सारी जी, तो बुद्धि में कमी है या पढ़ाई के जो हैबिट होती है वो ठीक से बन नहीं पाई है। वो सबके लिए ये जरूरी हो जाता है कि हम उसकी बुद्धि का आकलन करें और देखें कि बौद्धिक क्षमता कितनी है उसकी। अगर बौद्धिक क्षमता ठीक है तो शायद हमको पढ़ाने का सिस्टम थोड़ा दूसरा हो सकता है, वगैरह वगैरह सारी बातें। और आजकल इवन सामान्य स्कूलों में भी
ये एक तरह से वांछनीय हो गया है, डिजायरेबल हो गया है कि एक साइकोलॉजिस्ट तो होना चाहिए, एक काउंसलर तो होना चाहिए जी। और मेंटल रिटार्डेशन या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के फील्ड में तो ये मस्ट है। अगर वो नहीं होगा तो हम डिफाइन ही नहीं कर सकते या एस्टैब्लिश नहीं कर सकते कि ये बच्चा इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड है कि नहीं है जी। तो ये तो करना ही पड़ेगा जी। साइकोलॉजिकल, दूसरे स्लाइड पर जाते हैं। साइकोलॉजिकल असेसमेंट इज अंडरटेकन कीपिंग इन माइंड रेडीनेस ऑफ द चाइल्ड। हम अगर असेसमेंट करते हैं, आकलन करते हैं बौद्धिक क्षमता का, तो पहले ये देखते हैं कि बच्चा या व्यक्ति साइकोलॉजिकल असेसमेंट के लिए तैयार है कि नहीं है। तैयारी का डेफिनेशन भी अभी आगे चल करके हम लोग देखेंगे कि किसको कहेंगे कि हाँ बच्चा अब तैयार है, हाँ हम असेस कर सकते हैं, इस टूल का यूज कर सकते हैं, इस मटेरियल जो हमारा असेसमेंट टेक्निक है उसको हम इस पर कर सकते हैं। और उसी पर आधारित है टेक्निक्स रेंज फ्रॉम, देखिएगा दूसरा जो उसका सी स्लाइड में है, टेक्निक्स रेंज फ्रॉम ऑब्जर्वेशन टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टैंडर्डाइज साइकोलॉजिकल टेस्ट्स। ये बात आई, दो चीजें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट, एक तो ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन ऑफ बिहेवियर, ऑब्जर्वेशन ऑफ एक्शंस, ऑब्जर्वेशन ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। अगर स्टैंडर्डाइज साइकोलॉजिकल टूल्स हम नहीं दे पाते हैं किसी कारण से, तो हम ऑब्जर्व करेंगे, और उसके लिए भी स्टैंडर्ड ऑब्जर्वेशन सिस्टम है। दूसरा है एम्फेसिस इज ऑन द प्रोसेस एंड प्रोडक्ट, किस तरह से इंटेलेक्चुअल बिहेवियर उसका हो रहा है और उसका रिजल्ट क्या है, प्रोसेस एंड प्रोडक्ट की बात करते हैं रादर देन गिविंग स्कोर्स एंड कैलकुलेटिंग द नंबर। ये बात हम साइकोलॉजिस्ट इस पर ध्यान देते हैं कि किस प्रोसेस से उसका इंटेलेक्चुअल बिहेवियर हो रहा है किसी प्रॉब्लम सॉल्विंग सिचुएशन में, उसको देखना बड़ा जरूरी है, ना कि स्कोर मिल गया 50 या 100 या 150 और बता दिया कि इस लेवल का बच्चा है, हम उतने से ही तसल्ली नहीं कर पाते हैं। ये बात इन्होंने कही है असेसमेंट के रेफरेंस में। और भी देखिए दूसरे स्लाइड में, इट मे बी नोटेड हियर दैट मोस्ट ऑफ द अवेलेबल असेसमेंट मेजर्स या टूल्स जिसका नाम आप दे रहे हैं आर स्टैंडर्डाइज ऑन द नॉर्मल पॉपुलेशन, सामान्य लोगों पर ये देखा गया है, इसलिए और चूंकि हम इसका उपयोग करते हैं हमारे इंटेलेक्चुअली डिसेबल में, तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिस पर गौर करना होगा, उस पर ध्यान देना होगा कि क्या हम करें, किस तरह से यूज करें कि टेस्ट यूज भी हो जाए और उनके इंटेलेक्चुअल लेवल का स्तर भी मालूम हो जाए, ये बड़ा जरूरी हो जाता है। अभी आगे बात और इसको क्लियर करेंगे कि कहां से बात आती है कि स्टैंडर्डाइज तो हुआ है नॉर्मल पॉपुलेशन पे, लेकिन हम तो कंपेयर ही करेंगे कि हमारा जो सब्जेक्ट है या सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड बच्चा या व्यक्ति है वो अपने उम्र के अन्य लोगों से कितना पीछे है, तभी तो हम देख पाएंगे जी। तो हमारा जो स्टैंडर्ड है वो हमारा नॉर्मल पॉपुलेशन है वो है, फिर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको हम गौर नहीं करेंगे तो शायद हम उनके इंटेलिजेंस लेवल को असेस नहीं कर सकते, इसलिए हमें ध्यान देना बड़ा जरूरी हो जाता है। दूसरा स्लाइड देखते हैं, द असेसमेंट टेक्निक फॉर चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटीज डिफर्स नॉट ओनली फॉर वेरियस एक्सेप्शनैलिटीज बट ऑल्सो अमंग क्लिनिक्स एंड अमंग वेरियस प्रोफेशनल मेंबर्स। एक तो है जब हम आगे चल के बात करेंगे स्टैंडर्ड टूल्स की, कि कौन कौन से टूल्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, उसमें से जैसे मान लीजिए हमने गिनाया कि 7-8 टूल्स हैं, उसमें 7-8 तो नहीं देते हैं, 4-5 देंगे, उस डिपेंड करता है कि जो साइकोलॉजिस्ट है जिस टूल को यूज कर रहा है, जो व्यक्ति जिसका असेसमेंट हो रहा है उस पर लागू हो पाता है कि नहीं, इसको भी हम ध्यान में रखते हैं, तब जाकर के पॉसिबिलिटी होती है असेसमेंट की, हो सकती है। बड़ी अच्छी बात यहाँ पर आपने बताई कि सबसे पहले तो अगर किसी तरह के स्टैंडर्ड के लिए हम जा रहे हैं और हम इस बात को चेक करना चाहते हैं कि बच्चे की जो इंटेलिजेंस है वो किस लेवल की है, तो आपने बताया कि सबसे पहले तो उसकी खुद की एक तैयारी होनी चाहिए कि वो इस तरह के असेसमेंट के लिए तैयार है, राइट, और उसके बाद में ही हम इस तरह के
टेस्ट को ऑपरेट करते हैं, और उसके बाद जैसा कि हमारे एक्सपर्ट ने कहा कि डिफरेंट स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए उसके पीयर ग्रुप या उसके एक एज के अकॉर्डिंग जो अदर बच्चे हैं वो किस तरह के परफॉर्मेंस दे रहे हैं उस स्टेज में, उससे हमारा बच्चा कितना लैग बिहाइंड करता है, इस चीज को समझने के बाद में ही हम एक उसके इंटेलिजेंट क्वोशेंट की बात कर सकते हैं। और इस तरह के इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बारे में और ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण बातें हो सकती हैं जिसको कि जानना समझना इस मुद्दे के लिए जरूरी हो सकता है, इसमें उसको समझने की कोशिश करेंगे। अभी ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक।
वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम चर्चा कर रहे हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बारे में, और ब्रेक पर जाने से पहले आपने देखा कि हमारे एक्सपर्ट हमको समझा रहे थे कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती क्या है। अभी खास करके हम अभी इंटेलेक्चुअल जो हमारा सेंस होता है, वो बुद्धि जिसे हम कहते हैं, वो किस तरह से काम करता है, वो किन बातों पर उसकी परफॉर्मेंस किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, इसके बारे में हम समझने की कोशिश कर रहे थे। अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले हम आपसे एक बार फिर से कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे एक्सपर्ट से इस मुद्दे से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल पूछना चाहें तो आपका स्वागत है। आप हमसे संपर्क करें हमारे टोल फ्री नंबर 1800 112 008 पर, साथ ही हमारा फोन नंबर 0112651611 और हमारा फैक्स नंबर 0112651609। हमारी ईमेल आईडी rehabstd@ndc.vsnl.net.in और हमारी वेबसाइट www.rehabcouncil.nic.in। आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। सर, हमने जैसा कि आपने बताया कि किसी भी पर्सन की अगर हमें इंटेलिजेंस अगर उसको चेक करना होता है, उसको मापना होता है, तो सबसे पहले तो उसको मेंटली इस चीज के लिए प्रिपेयर किया जाता है, और उसके साथ में ही आपने और भी चीजें बताई जहां पर कि इंटेलिजेंस को परखने के लिए हमको ध्यान देना पड़ता है। प्लीज उस चीज को कंटिन्यू करें। हाँ, हम लोग अभी बात कर रहे थे दो तरह की, दो स्तर की तैयारियां होनी बहुत जरूरी होता है। एक तो जो व्यक्ति जिसका बौद्धिक क्षमता का मापन हो रहा है, दूसरा जो बौद्धिक क्षमता का मापन कर रहा है। दोनों अगर तैयार नहीं होंगे, दोनों एक स्तर से काम नहीं करेंगे, तो जो हमारा परियोजन है वो शायद हो नहीं पाएगा। इसका मतलब है बौद्धिक क्षमता का मापन संभव नहीं हो पाएगा, ये बात कही गई है। तैयारी किस तरह की होती है, क्यों करनी होती है, आगे हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। जरा स्लाइड, दूसरे स्लाइड पर ध्यान देते हैं। कहा गया है कि इसके पहले कि कोई टेस्ट हम दें, कोई टूल जो हमारे पास है या टूल्स जिसको कहते हैं, एक टूल से काम नहीं चलता, कम से कम चार पांच तो देने ही होते हैं। इसके पहले कि इन टूल्स को, इन यंत्रों को हम इस्तेमाल करें समझने के लिए, हमको ये जानना जरूरी होता है कि क्या बच्चा या व्यक्ति स्क्रीनिंग ऑफ, देख लीजिए इसमें आता है स्क्रीनिंग ऑफ विजुअल, ऑडिटरी, विजुअल मोटर इंटीग्रेशन कैपेबिलिटीज एंड फिजियोलॉजिकल लिमिटेशंस अराइजिंग आउट ऑफ स्पेसिफिक कंडीशन। हमारे यहाँ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की जब बात करते हैं तो इसमें ये चीजें उतनी ऑब्वियस नहीं होती हैं सारी डिसेबिलिटी की जो, लेकिन कुछ बच्चे या कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें ये संभव हो सकता है। इसलिए इस पर हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि टेस्ट जो बनाए गए हैं जिसका प्रयोग होगा उसमें कुछ ऐसी डिमांड्स होती हैं जो इन पर निर्भर करेंगी। अगर मान लीजिए विजुअल डिसेबिलिटी है, सुनने में कोई तकलीफ है, हाथ का जो फाइन कोऑर्डिनेशन है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, कोई और फिजियोलॉजिकल लिमिटेशन है, तो एक टेस्ट नहीं दे करके दूसरा टेस्ट देंगे। इसलिए इस पर गौर करना बड़ा जरूरी हो जाता है। और भी देखिए, विदिन दिस फ्रेमवर्क क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट यूटिलाइजेस स्पेसिफिक टूल्स बेस्ट इक्विप्ड टू हैंडल द असेसमेंट ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटीज। अभी चर्चा हो गई ना कि हम देखते हैं कि कौन सा टूल मोस्ट अप्रोप्रिएट है इस व्यक्ति, इस बच्चे के बौद्धिक क्षमता का मापन करने के लिए। जैसे मैं उदाहरण देता हूं कि एक बच्चा है, बौद्धिक ऐसा लग रहा है हमें कि बुद्धि उसकी उतनी प्रखर नहीं है जितनी कि सामान्य उसके उम्र के बच्चों की होती है। हम देखना है कि उसकी बौद्धिक क्षमता कितनी है, लेकिन थोड़ा सुन नहीं पाता है, या पेपर पेंसिल में वो काम नहीं कर सकता है, या ये हम इशारा मल्टीपल डिसेबिलिटी की तरफ है। नहीं नहीं नहीं, इसमें भी हो जाता है। मल्टीपल डिसेबिलिटी तो अलग की बात हो गई। कुछ बच्चे ऐसे हैं जैसे मान लीजिए एक 4 साल का बच्चा है, हम जानते हैं कि 4 साल का बच्चा बोल तो पाएगा ही पाएगा, या जो हम कहेंगे वो समझ लेगा, लेकिन कुछ बच्चे हमारे बौद्धिक क्षमता वाले ऐसे होते हैं जो बोल नहीं पाते। तो अगर हम ऐसा टेस्ट देंगे, ऐसा प्रॉब्लम देंगे जिसमें उसको बोल करके जवाब देना होगा, तो मुश्किल हो जाएगी। तो हमें ये समझना होगा। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि उनका 5 साल का या 7 साल का बच्चा है, और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि 5 साल का बच्चा जब हो गया तो वो पेंसिल से कुछ काम कर सकता है, डिजाइन बना सकता है, कोई लाइन खींच सकता है, या मैं कहूं कि पेंसिल से कुछ करना है वो कर सकता है।
अगर उसका कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं है तो ये काम हमसे करा नहीं पाएंगे, कोई दूसरे ढंग का काम करेंगे। या हम कहें चलो उसको ब्लॉक्स बनाने, एक के ऊपर एक टेस्ट का एक डिमांड है जी जी, अगर होल्ड नहीं कर पाएगा तो वो काम नहीं कर पाएगा। तो इसको ना करके हम कोई दूसरा ऐसा टेस्ट लेंगे जिसमें कि इसकी उपयोगिता न हो, फिर भी हम बौद्धिक क्षमता का मापन कर सके। सीधा सीधा यहाँ पर हमारा उद्देश्य है बौद्धिक क्षमता का मापन करना। वेरी ट्रू। तो इसलिए हमें ऐसे उसकी एबिलिटीज का जिसमें कि बच्चा कंफर्टेबल फील करता है, जिसमें वो अपने बौद्धिक रूप से वो क्या सोच रहा है, क्या समझ रहा है, वो चीज बाहर निकल करके। बिल्कुल जी जी। तो ऐसे ही हमें जो टेस्ट है उस चीज को यहाँ पर करना, वही टेस्ट सिलेक्ट करने। ये दोस्तों आपके लिए जो इस फील्ड में काम करने वाले हमारे दोस्त हैं उस चीज को समझें, बहुत महत्वपूर्ण बात हमारे सर बता रहे हैं कि बच्चे की बौद्धिक क्षमता अगर हमको चेक करनी है तो बच्चा कभी कभी होता है कि वो सोच तो रहा है, बात को समझ तो रहा है, लेकिन आपने जिस तरह से उसको क्वेश्चन किया हो सकता है कि वो उस तरह से अपनी बात को जवाब न दे पाए। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण बात हमारे सर कह रहे हैं कि आपको उस माध्यम को उपयोग में लेना चाहिए जिसमें कि बच्चा अपने मन में जो भी बात वो सोच रहा है, जो भी बात समझ रहा है, वो ज्यादा से ज्यादा कंफर्टेबल ढंग से अपना जवाब दे सके। तब आप इस बात को समझ सकेंगे कि बच्चा कितना समझ रहा है, उसका इंटेलिजेंट क्वेश्चन कितना काम कर रहा है। अगर आपने कोई ऐसा बैरियर क्रिएट कर दिया जिसमें कि बच्चे को अपने आप को रिप्रेजेंट करने में दिक्कत हो रही है, अपनी बात को वो कह नहीं पा रहा है या सुनने में किसी तरह, तो ऐसे किसी तरह के टेस्ट को लेने के बाद में हो सकता है कि बच्चा जो समझ रहा है वो भी नहीं कह पाए और उसके बौद्धिक क्षमता का आकलन आप गलत कर बैठे। इसलिए ये समझना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने कही। इसी नाते जी ये माना गया है, ये बताया गया है कि केवल एक टेस्ट पर, एक टूल पर आप निर्भर ना करें। कम से कम 3-4 टूल ऐसे लें कि जो एक टूल में मापन में कमी आ गई दूसरे में पूरा हो सके। ये भी बड़ी अच्छी बात आपने कही। हाँ। कि कभी कभी होता है कि कुछ चीजें डायग्नोज करने से रह जाती हैं, हम प्रॉपर उसका डायग्नोज ही नहीं कर पाते कि बच्चे में इस तरह की क्षमता की किसी तरह की कमी है कि नहीं। तो इसलिए अगर 3-4 तरह से हम बच्चे का एक जैसे कहें कि टेस्ट कर लेते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं उसकी क्षतिपूर्ति जो है अदर टेस्ट में हो जाती है और हम एक प्रॉपर जो सही रिजल्ट है वहां पर पहुंचने के ज्यादा करीब पहुंच जाते हैं। ये ओरिएंटेशन होना बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है जी। और भी देख लीजिए, दूसरे स्लाइड पर बात हो रही है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल टेस्ट्स बैटरी इज फॉलोड बाय डायग्नोस्टिक टेस्ट्स टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ डिफिकल्टीज इन रीडिंग, राइटिंग एंड अरिथमेटिक। ये बात आई, एक तो ये है कि ठीक हम इंटेलिजेंस का पता लगा लिए, लेकिन इंटेलिजेंस की जो उपयोगिता है हमारे खास करके बच्चों में, जिसको हम कहते हैं स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, वो तीन काम उन्हें करना है किसी न किसी रूप से, किसी न किसी स्तर पर, वो है रीडिंग, राइटिंग एंड अरिथमेटिक, अंक ज्ञान। तो ये भी हमें आकलन कर ही लेना है कि जितनी बुद्धि है उसको किस तरह से वो ट्रांसलेट कर पाएंगे इन तीन एक्टिविटीज में। कारण उनको और तो कोई काम नहीं है इस समय, पढ़ना लिखना समझना यही तो बात है। तो हमारा ध्येय ये भी हो जाता है कि बौद्धिक क्षमता तो है जितनी है उसका ट्रांसलेट करते उपयोगिता क्या है ये रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक में, इसका भी ध्यान हमें देना जरूरी है, तभी संपूर्ण हो जाएगा डायग्नोसिस जिसको कहते हैं, निदान जिसको कहते हैं। सर यहाँ पर एक बार थोड़ा सा आपको और रोकना चाहूंगा और थोड़ा सा समझना चाहूंगा। जैसा आपने बताया कि अगर एक बच्चे को हम जज करना चाहते हैं कि उसकी इंटेलिजेंस क्वेश्चन कितनी है, तो चूंकि बच्चे का जो काम होता है वो इस एज में पढ़ना लिखना और समझना इसी तरह के काम होते हैं जी, उन्हीं कामों से समझा जा सकता है। लेकिन अगर यही पर कहीं अगर एक ग्रोन अप पर्सन है तो उसके अदर काइंड की एक्टिविटीज में भी हम ये चेक कर सकते हैं कि आदमी के सोचने समझने की क्षमता कितनी है। बिल्कुल बिल्कुल है, बिल्कुल है। यहाँ पर बच्चों के सेंस में चूंकि उनके काम ही यही होते हैं, इसलिए उनके इंटेलिजेंस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें इन्हीं प्रोसेस को लेने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। और स्पष्ट कर दिया जाए, चॉइस ऑफ साइकोलॉजिकल टूल्स will vary according to the etiology of the child's condition. अगर मालूम है तो कितने हमारे दुख की बात यही है, कमजोरी हमारी यही है कि कितने केसेस में हम समझ ही नहीं पाते कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का कारण क्या है जी। फिर भी अगर थोड़ा बहुत कारण हमें मालूम है तो उस हिसाब से भी हम
टेस्ट बैटरी सेलेक्ट करते हैं। इसमें एक वर्ड यूज हुआ है टेस्ट बैटरी का जी, इसके पहले वाले स्लाइड में यूज हुआ था। तो बैटरी का सिर्फ यही मतलब होता है, जैसे आपकी बैटरी होती है, टॉर्च होता है, उसमें कई सारे सेल्स होते हैं, इसी तरह से हमारे जो साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं एक ही नहीं होते, तीन चार टेस्ट होते हैं, इसलिए उसको अच्छा समझने के लिए बैटरी नाम दे दिया गया है। जी सर, यहाँ पर जो आपने इटियोलॉजी ऑफ द चाइल्ड्स कंडीशन दिया है, ये थोड़ा सा और क्लियर करें कि ये क्या है और किस चीज को जज करने की बात आप कर रहे हैं। नहीं, बौद्धिक अक्षमता के कई सारे कारण होते हैं, बहुत सारे तो अननोन कारण है, अभी भी हम उस चीज को नहीं जानते हैं कि लेकिन नोन कारणों में, जैसे मान लीजिए प्रेगनेंसी के पीरियड में कुछ माँ की तबीयत गड़बड़ हुई या फीटस में प्रॉब्लम आ गया, कहीं चोट लग गई माँ को, कोई ऐसी बीमारी हो गई जिसको कि ब्रेन में इफेक्ट कर सकता है। सिमिलरली डिलीवरी पीरियड में भी अगर कुछ चीजें ऐसी हैं जो अगर मस्तिष्क को असर पहुंचा सकती हैं, चाहे वो एक्सीडेंट हो, चाहे चोट हो, चाहे बीमारी हो, या बच्चा जैसे पैदा, फर्स्ट टू वीक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें अगर कोई ऐसी बीमारी आ गई जो कि ब्रेन को इफेक्ट करती है, तो ये हमें कारण मालूम है कि ब्रेन के किस एरिया में इफेक्ट हो गया है और इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग में क्या प्रॉब्लम आ सकती है, उसमें तो मालूम है। लेकिन ढेर सारे कारण है, जैसा कि बुक्स में कहा भी गया कि अबाउट 80% तो कारण हमें मालूम ही नहीं है, उसमें हम लाचार हैं। लेकिन जहां हमें कारण मालूम है वहां अगर हम ध्यान देंगे तो शायद ये हम बचा पाएंगे, टेस्ट उचित टेस्ट सेलेक्ट कर पाएंगे। जो बौद्धिक अक्षमता के पीछे कौन सा रीजन था, करेक्ट, किस रीजन की वजह से बच्चे में बौद्धिक अक्षमता आई, यह समझना हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है जिससे कि हम एक टेस्ट बैटरी प्रॉपरली सेलेक्ट कर सकें, जिससे कि बच्चे के इंटेलिजेंट क्वेश्चन प्रॉपर चेक किया जा सके, बिल्कुल, अगर हो सके तो। जी जी बिल्कुल। फिर अब और स्पष्ट हो जाती है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट चूजेस साइकोलॉजिकल टूल्स विच गिव द चाइल्ड एन अपॉर्चुनिटी टू रिस्पॉन्ड। हम लोग कभी भी ये नहीं सोचते कि चैलेंजिंग टास्क देने का हमारा वो मकसद नहीं है कि बच्चा ना कर पाए, ना ना ना, हम तो चाहते हैं जितनी भी उसकी एबिलिटी है वो सामने निकल करके आए, वो सामने निकल के आए। तो हम हमेशा टेस्ट को जब सेलेक्ट करते हैं बैटरी, तो कोशिश यही करते हैं कि ये पर्टिकुलर चाइल्ड, पर्टिकुलर बच्चा या व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा उसको संभाल पाए, ज्यादा से ज्यादा प्रतिक्रिया दे पाए, ज्यादा से ज्यादा जवाब दे पाए। ये नहीं कि कभी कभी होता है ना कि हमें याद है कि हमसे टीचर ऐसा प्रश्न पूछ देते थे, उन्हें मालूम है कि इसको आएगा नहीं, पूछो जरूर। जी जी। तो हमारी खास करके आपने जो बात कही, ये एकेडमिक्स में होता है, पढ़ाई लिखाई के दौरान टीचर कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी देती हैं जिसका कि सभी बच्चे आंसर दे सकें, एक आध दो क्वेश्चन ऐसे जरूर रखे जाते हैं जो कि बच्चे के अंदर में ये डिस्क्रिमिनेशन कर सकें कि कौन बच्चा एवरेज है, कौन सा बढ़िया है, कौन सा पुअर है। तो यहाँ पर एक दो क्वेश्चन ऐसे रखे जाते हैं जिससे कि ये समझ में आ सके कि कौन सा बच्चा हमारा ज्यादा सुपीरियर है। लेकिन यहाँ पर जब हम इस तरह के टेस्ट कर रहे हैं तो हमारा पर्पस ये है कि बच्चे के अंदर जितना भी है वो मैक्सिमम बाहर आ सके। तो यहाँ पर हमारे एटीट्यूड में डिफरेंस साफ नजर आता है, बहुत जरूरी, और भी आगे और स्पष्ट हो जाएगी ये बातें जी। देख लीजिए अब दूसरे स्लाइड में क्या क्या है, वही बात पहले है, इफ द चाइल्ड हैज हियरिंग इम्पेयरमेंट वर्बल टेस्ट आर अवॉइडेड। हमारे पास वर्बल टेस्ट है, परफॉर्मेंस टेस्ट है, टाइम टेस्ट है, स्पीड टेस्ट है, कई तरह के टेस्ट है। तो अगर हमें ये मालूम हो जाए पहले से ही, जो कि मालूम हो जाता है जब हम डेवलपमेंटल हिस्ट्री लेते हैं, तो ये मालूम हो जाता है कि बच्चे में क्या क्या कमियां हैं जो पेरेंट्स बता पाते हैं, पेरेंट्स देख पाते हैं। अगर बच्चे में हियरिंग प्रॉब्लम है तो हम कुछ बोलेंगे जब सुन ही नहीं पाएगा तो क्या जवाब दे सकते हैं, तो उसको हम अवॉइड करें। फिर दूसरी बात कहिए, और इफ द चाइल्ड हैज विजुअल इम्पेयरमेंट एंड और इज फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्टिकुलरली विथ अपर लिम इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि हम जब टेस्ट देते हैं तो कोशिश यही करते हैं कि हाथ से कुछ काम करें, तो अगर अपर लिम इन्वॉल्व होगा तो ऐसे टेस्ट हम नहीं देंगे जिसमें कि उसके कमजोरी जाहिर हो जाए। ये बात उन्होंने स्पष्ट कर दी है, परफॉर्मेंस टेस्ट हम नहीं दे पाएंगे, वर्बल टेस्ट ज्यादा देंगे। अब देखते हैं पॉजिटिव पॉइंट्स यूनिक टू सर्टेन टेस्ट्स, कुछ टेस्ट में जो विशेषताएं हैं उसकी चर्चा करेंगे, फिर टेस्ट विशेष की बात करेंगे, टूल्स विशेष की बात करेंगे। इस स्लाइड पर आते हैं तो क्या है,
some tests are appropriate for assessment of mental processes in children with extremely low verbal capacity. अगर हमें मालूम है कि बच्चे में verbal capacity low है तो उसी test को हम use करें. These tests are administered in कभी कभी जैसे मान लीजिए instruction देना है तो एक तो होता है verbal instruction, दूसरा इशारों से भी हम काम कर सकते हैं. तो ऐसे टेस्ट अगर मान लीजिए देना भी हो तो हम उनको जो इंस्ट्रक्शन देंगे जो करना है उनको हम इशारों से कर लेंगे और अगर इशारा समझ जाते हैं तो बात बन जाती है हमारी, कोई दिक्कत नहीं आती है ज्यादातर. सम टेस्ट हैव एलिमिनेटेड द टाइम्ड फैक्टर. अब बुद्धि की एक विशेषता यह होती है कि आप कितना जल्दी काम करते हैं, कितना जल्दी निर्णय लेते हैं, कितना जल्दी सोचते हैं, कितना जल्दी एक दूरी कवर कर पाते हैं, कितना जल्दी ये क्रिया कर लेते हैं. दैट मीन्स बुद्धि की एक ये कुशलता है कि आप काम फास्ट करें, क्विक डिसीजन लेने की क्षमता, क्विक करें. तो कभी इसी नाते टेस्ट बनाए गए हैं कि जैसे मान लीजिए कहा 2+2 आपको 1 सेकंड में जवाब देना होगा 4. अगर आप 4 सेकंड लगा देते हो या 1 मिनट लगा देते हो तो आपको कोई स्कोर नहीं मिलेगा. उसको हम कहते हैं टाइम्ड टेस्ट है. तो अगर हम जानते हैं कि बच्चा और हमारे जो बौद्धिक अक्षमता वाले बच्चे हैं वो स्लो होते हैं, ऑन द होल स्लो होते हैं, उनकी फिजिकल एक्टिविटी स्लो होती है, थिंकिंग स्लो होता है और सारी क्रिया जरा धीमी होती है, तो अगर ये अप्लाई कर देंगे तो मुश्किल हो जाएगा, उनकी क्षमता का आकलन नहीं हो पाएगा क्योंकि समय रहते कर नहीं पाएंगे. क्या सर यहाँ पर हम ये भी कह लेते हैं, अक्सर बोला जाता है कोई बच्चा तुरंत जब रिस्पांस देता है तो कहते हैं कि इसका प्रेजेंस ऑफ माइंड बड़ा बढ़िया है, तो प्रेजेंस ऑफ क्षमता का ये वो है उदाहरण है जी. तो ये प्रेजेंस ऑफ माइंड जैसी एक्सपेक्टेशन हमें इस तरह के बच्चों के साथ में नहीं रखनी चाहिए, क्या इस तरफ आप इशारा कर रहे हैं? नहीं, रखनी चाहिए, लेकिन कोई बच्चा अगर स्लो है ही तो टाइम थोड़े देर के लिए हटा लीजिए जी, जी. तो उसकी क्षमता मालूम हो जाएगी. एक तो होता है कि आपकी बौद्धिक क्रियात्मकता क्या है और दूसरी बौद्धिक क्षमता क्या है. बुद्धि है उसको किस तरह से अप्लाई कर रहे हैं और कितनी बुद्धि है, दोनों में फर्क हो गया ना जी. ये मैं कहना चाहता हूँ, ये टेस्ट ये बताना चाहते हैं. मैं बताऊं, जैसे मान लीजिए 8 ब्लॉक का टावर बनाना है उन्हें, हमारे 1 स्क्वायर इंच का ब्लॉक्स होते हैं डिफरेंट. तो हम कहते हैं हमने एक टावर बनाया 8 ब्लॉक का, तुम कॉपी करके ये 8 ब्लॉक पड़े हुए हैं बना दो. तो अगर मान लीजिए उसका कोऑर्डिनेशन पकड़ नहीं पाएगा उस ब्लॉक को, या अरे जल्दी क्या आराम से करेंगे ना, तो हम चाहते हैं उसको 1-30 सेकंड में कर दे. जब नहीं कर पाएगा तो उसको 0 स्कोर मिलेगा. बौद्धिक क्षमता है लेकिन जहां तक आकलन की बात है उसको 1 भी स्कोर नहीं मिला. ऐसे में हम थोड़ा सा कंसेशन देते हैं, एक तो बात ये होती है. दूसरी बात होती है कि हम आगे चल करके जब हम इंटरप्रिटेशन देते हैं, हमने ऊपर पहले बात की थी आप लोगों से कि एक तो हम प्रोसेस को देखते हैं, दूसरा प्रोडक्ट को देखते हैं, कितना स्कोर मिला और किस प्रकार से स्कोर मिला. दो चीजें हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है. तो कितना स्कोर मिला ये तो क्षमता मालूम हो गई, क्रिया जितना उसके पास है, लेकिन किस तरह से उसको अपनी बुद्धि का उपयोग कर पा रहा है वो प्रोसेस हो गया. तो अगर प्रोसेस भी हम देखते रहते हैं तो एक फायदा होता है कि चाहे पेरेंट्स को सलाह देनी हो, चाहे टीचर को सलाह देनी हो, चाहे अपना ही और आगे काम करना हो, हमें यह अंदाज हो जाएगा कि इस बच्चे में क्षमता है. धीरे धीरे सिखाएंगे तो हो सकता है वो थोड़ा फास्ट भी कर सके, धीरे धीरे सिखाएंगे तो अच्छी तरह से उच्चारण भी कर सकता है, धीरे धीरे सिखाएंगे तो या मशीन लगा देंगे तो सुन भी सकता है, वगैरह वगैरह. तो क्षमता का भी हमें वो होना चाहिए और क्रियात्मक क्षमता का भी, दो तरह का स्कोर हमें मालूम हो जाएगा तो फायदा ही फायदा है बच्चे के लिए और हमारे लिए भी, उत्साहवर्धक हो जाता है. हम इसीलिए पहले भी अगर आप स्लाइड को ध्यान दें कि हम टेक्नीशियन नहीं बनते हैं जी. जैसे मान लीजिए मुझे शुगर लेवल देखना है तो हमारा आया वो और ब्लड लिया और बता दिया कि आपका शुगर लेवल इतना है, लेकिन इससे ये तो हो गया, उन्होंने स्कोर दे दिया हमें. लेकिन उसके बाद जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो कहते हैं कि ये परहेज करो, ये करो, तब जाकर तब वो बताते हैं कि किस तरह से शुगर को हम कंट्रोल कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, वगैरह वगैरह.
तो केवल स्कोर से ही नहीं काम लेता है डॉक्टर, यही हालत साइकोलॉजिस्ट की भी होती है या टीचर की भी होती है, क्योंकि अकेले साइकोलॉजिस्ट ही काम नहीं करेगा, टीचर करेंगे, पेरेंट्स से भी मदद लेनी होगी। तो दो तरह का अगर लेवल मालूम हो जाएगा तो हमें और आसानी हो जाएगी इस बच्चे या व्यक्ति के साथ काम करने में और आगे बढ़ाने में। ये ध्यान देना बहुत जरूरी होता है, बहुत जरूरी हो जाता है। आगे स्लाइड में देखते हैं वही बात। अब बात आती है कौन, पहले जब हम मिलते हैं बच्चे से तो क्या क्या होता है हमारे अंदर, क्या क्या उस बच्चे के अंदर होता है, ये देखना बहुत ही जरूरी है। देखते हैं पहला स्लाइड, इसका हेडिंग दिया है असेसमेंट इनिशियल कॉन्टैक्ट। पहली बार जब मिला हो तो क्या, इन मोस्ट इंस्टेंसेस द चाइल्ड विथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इज रेफर्ड फॉर साइकोलॉजिकल असेसमेंट आफ्टर ही इज सीन बाई इनटेक वर्कर और बाई अदर मेडिकल डॉक्टर। नॉर्मली ये देखा जाता है कि सबसे पहले चाहे सोशल वर्कर मिलते हैं या जो इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं पेरेंट्स के, उस समय बच्चा भी साथ में रहता है। सिमिलरली कोशिश ये की जाती है कि अगर मेडिकल डॉक्टर है तो उसको भी कंसल्ट करें, जिससे कि कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशन, मेडिकल बात नहीं आती है उसको हम ध्यान दें, उसके बाद साइकोलॉजिस्ट का नंबर आता है। तो अगर क्लिनिक में आया, स्कूल में आया, किसी भी सिचुएशन में आया, तो नॉर्मली ये देखा गया है कि साइकोलॉजिस्ट पहला व्यक्ति नहीं होता है, अनलेस वही है और वही सब कुछ कर रहा है, विच इज नॉट पॉसिबल। एक क्लिनिक में, एक सेटअप में साइकोलॉजिस्ट अकेले इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साथ काम नहीं कर पाएगा, ये तो पक्की बात है। जी। टीचर होंगे, सोशल वर्कर होंगे, एक टीम होती है। जी, जी। तो ये तो मान्यता है और बात भी प्रैक्टिकली देखा भी गया है कि पहला व्यक्ति नहीं होता साइकोलॉजिस्ट, अर्थात उस माहौल से इस बच्चे का और परिवार के अन्य लोग, खास करके माता पिता का, कुछ ओरिएंटेशन तो हो ही जाता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, कौन से लोग मिलेंगे, कैसे लोग मिल पाएंगे और हमारे साथ कैसे पेश आएंगे, ये बात हो जाती है और उससे बहुत फर्क पड़ जाता है बच्चे और पेरेंट्स दोनों में, ये बात तो हमें माननी पड़ेगी। इसीलिए देखिए दूसरे स्लाइड में कहा गया है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मे बी द सेकेंड और थर्ड प्रोफेशनल टू कम इन कॉन्टैक्ट विथ। बाय दिस टाइम द चाइल्ड मस्ट हैव गेन्ड सम फेमिलियरिटी विद द न्यू सिचुएशन। स्टिल सम चिल्ड्रन पोज मेनी एडजस्टमेंट डिफिकल्टीज विच नीड केयरफुल हैंडलिंग बाय द साइकोलॉजिस्ट। जो असेसमेंट कर रहा है इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग का, उसे इन सब बातों का ध्यान देना है। हम आप बड़े हो गए हैं, समझदार हो गए हैं और एडजस्ट करने की क्षमता हमारे अंदर हो गई है, लेकिन बच्चों में, खास करके जिनको बौद्धिक क्षमता में कमी है, बौद्धिक क्रियात्मकता में थोड़ी कमी है, वो घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और उनका एक्सपोजर भी बहुत कम होता है। बड़ी मुश्किल से तो कहीं जाते हैं, पेरेंट्स या फैमिली मेंबर्स ले नहीं जाते, तो गया ठीक है, दूसरी तीसरी बार साइकोलॉजिस्ट के पास मिला, लेकिन वो डरा डरा सा, सहमा सहमा सा रहता है। वो उसको ध्यान में देना एक साइकोलॉजिस्ट का बहुत बड़ा काम है, किस तरह से उसको थोड़ा सा और कंफर्ट दें, जिससे कि वो प्रतिक्रिया दे पाए, स्वाभाविक व्यवहार कर पाए, ये बहुत जरूरी है। और जितने भी हमारे साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं, उसमें जब तक स्वाभाविक व्यवहार आपका नहीं होगा, तब तक गलत रिजल्ट मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हमारी पूरी कोशिश ये होनी चाहिए कि बच्चा जब भी टेस्ट देने के लिए आ रहा है, उस समय वो माहौल में बिल्कुल भी अपने आप को दबाव न महसूस करे या बिल्कुल अनकंफर्टेबल न महसूस करे, एज फार एज पॉसिबल। जी, तभी, और हमारी ये सारी कोशिश सिर्फ इसलिए है जिससे कि वो बिल्कुल खुल करके अपने अंदर की जो भावनाएं हैं उसको व्यक्त कर सके, अपने सोचने समझने की क्षमता का पूरा उपयोग कर सके, जिससे हम उसके रियल इंटेलिजेंस क्वोशेंट तक पहुंच सके। इस विषय में बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छी बात कही, हम लोग भी समझ लें। तो एक नया टर्म आया है, करीब 10-15 साल पुरानी बात हो गई, इमोशनल इंटेलिजेंस। जी, जिसमें कहते हैं कि आप बुद्धिमान है, ये जितनी भी बुद्धि है उसको आपसी व्यवहार में किस तरह से उसको ट्रांसलेट करते हैं, ये बुद्धि का सबसे बड़ा लक्षण माना जाता है। तो अगर हम, पहली बात तो संभव ही नहीं है कि हम किसी को पूर्णतः आश्वस्त कर पाए,
हम आपके सामने बैठ करके जो भी बात कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि मैं सब कुछ दे पा रहा हूं, लेकिन कभी कभी लगता है मुंह सूखने लगता है, पसीना आने लगता है, हकलाहट होने लगती है, शब्द नहीं मिल पाते हैं। तो आप लोग तो आकलन हमारा कर ही रहे हो कि कितनी क्षमता है इसमें, तो इसका भी आकलन बहुत जरूरी हमारे लिए हो जाता है। ये नहीं कि उसको पूर्णतः पहली बात तो संभव ही नहीं आश्वस्त कर पाए, तो थोड़ी एंग्जाइटी जिसको कहते हैं वो रहनी चाहिए जी। तो ये कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हो जाते हैं जो कि हमारे सोचने समझने की क्षमता और अगर कहें अल्टीमेटली परफॉर्म करने की क्षमता पर प्रभाव डालते हैं, और उसको हमको ध्यान में रख करके चलना पड़ेगा। उसके बाद में ही हम एक प्रॉपर रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं। दोस्तों, आपने देखा कि हमारे एक्सपर्ट के एन ओझा जी हमको किस तरह से बहुत बढ़िया ढंग से बता रहे हैं कि कभी भी अगर किसी पर्सन का, चाहे कोई बच्चा हो चाहे कोई बड़ा व्यक्ति हो, अगर उसके हम इंटेलिजेंट क्वोशेंट को नापना चाहते हैं, उसको समझना चाहते हैं, तो उसको एज पर पॉसिबल, जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो, एक कंफर्टेबल सिचुएशन हमको प्रोवाइड करनी चाहिए, जिसमें कि बिना किसी दबाव के, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी इमोशनली भी, जैसा सर ने मेंशन किया कि वो बिना किसी प्रॉब्लम के अपने अंदर की सारी भावनाओं को बाहर निकाल सके। और जब ऐसा व्यक्ति अपने अंदर की सभी फीलिंग्स को बाहर निकालता है, तब आप एक बेहतर ढंग से इस बात को जज कर सकेंगे कि वह व्यक्ति किसी मामले को किस तरह से देखता है, किस तरह से इंटरप्रेट करता है, और उस पर किस तरह से रिएक्शन देने की संभावना बनती है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद में इस कार्यक्रम को जारी रखेंगे।
वेलकम बैक फ्रेंड्स। हम आज चर्चा कर रहे हैं इंटेलिजेंट डिसेबिलिटी के ऊपर, इंटेलिजेंस डिसेबिलिटी के ऊपर। इस पर आपने देखा कि हमारे जो एक्सपर्ट के एन ओझा जी हैं, इन्होंने हमें बताया कि किस तरह इंटेलिजेंस पहली बात तो क्या होती है, और दूसरी बात इन्होंने बताया कि जब हमें किसी पर्सन की इंटेलिजेंस को समझना होता है, परखना होता है, तो उसके लिए एक सबसे ज्यादा तो कंफर्टेबल माहौल देना चाहिए, जिससे कि उस व्यक्ति के अंदर में जो भी कैलकुलेशन उसके माइंड की चलती है किसी बात को लेकर के, वो चीजें निकल करके सामने आ सके। अब हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इसके पहले हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे एक्सपर्ट से इस मुद्दे से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल पूछना चाहें तो आपका स्वागत है। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर, और हमारे एक्सपर्ट आपके सवालों के जवाब देंगे। नोट करिए हमारे नंबर्स, हमारा टोल फ्री नंबर 1800 11 2008, हमारा फोन नंबर 01 1 2 6 5 1 1 6 1 1, और हमारा फैक्स नंबर 01 1 2 6 5 1 1 6 0 9। हमारी ईमेल आईडी rehabstd@ndc.bsnl.net.in, और हमारी वेबसाइट www.rehabcouncil.nic.in। आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। सर, अभी हमने ये बात बताई कि आपने बताया कि जब भी किसी पर्सन का इस तरह का टेस्ट लेना होता है तो सबसे पहले तो इसे एक कम्फर्टेबल माहौल दें, और यहाँ पर जिनका कि टेस्ट लेना है और जो साइकोलॉजिकल जो एक्सपर्ट हैं, दोनों को ही इस बात के लिए मेंटली प्रिपेयर होना जरूरी है कि वो क्या करने जा रहे हैं। इसके अलावा कौन सी ऐसी बातें हैं जहां पर कि हमको ध्यान देने की जरूरत है? हम लोग बात ये कर रहे थे कि तैयारी, इनिशियल तैयारी जिसको कहते हैं, इसके पहले कि जो टूल हमारे पास अवेलेबल है उसको यूज करें, हमको खुद को तैयार होना है, और जो व्यक्ति या बच्चा आया है असेसमेंट के लिए उसको भी तैयार करना है किसी तरह, तभी हम उनके क्षमता का आकलन अच्छी तरह से कर पाएंगे। इसी की चर्चा और आगे बढ़ाने के लिए देखते हैं। देखिए, दूसरे स्लाइड की बात करेंगे तो बिफोर एनी फॉर्मल साइकोलॉजिकल टेस्ट इज एडमिनिस्टर्ड क्लिनिकल स्लाइड पर जरा ध्यान दें प्लीज। बिफोर एनी फॉर्मल साइकोलॉजिकल टेस्ट इज एडमिनिस्टर्ड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अटेम्प्ट्स टू अंडरस्टैंड द वर्बल नॉन वर्बल एंड बिहेवियरल क्लूज एंड यूटिलाइजेस स्किल्स टू मेक द चाइल्ड कंफर्टेबल। बात यहाँ कही जा रही है कि कांटेक्ट, इनिशियल कांटेक्ट हुआ, कुछ बच्चे के बारे में थोड़ी जानकारी मालूम हुई, कुछ हमने देखा, कुछ पेरेंट्स से समझा। अब हमें ये देखना है कि किस तरह से हम इसको समझ पाएंगे, किस तरह से हमारा कम्युनिकेशन शुरू होगा जिससे कि बच्चा या व्यक्ति हमें समझ पाए, हमारे इंस्ट्रक्शन को समझ पाए, हम क्या चाहते हैं वो समझ पाए, और हमारी भाषा तक समझ पाए। ये बहुत जरूरी हो जाता है। भाषा का भी उपयोग करते समय में सोचना चाहिए, कितने फास्ट बोल रहे हैं, कितने धीरे से बोल रहे हैं, कितना जोर से बोल रहे हैं, ये सब बातें हम सोच करके ही तब जाके टेस्ट प्रॉपर या टेस्टिंग प्रॉपर जिसको हम कहते हैं वो करेंगे, करना चाहिए। उसके बाद देखते हैं क्या है, दूसरा स्लाइड देखेंगे। इन मोस्ट केसेस द इनिशियल असेसमेंट डज नॉट गिव ए करेक्ट एंड कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग। ये हमेशा हमें ध्यान देना चाहिए कि हमने असेस किया और हमारे पास जो रिजल्ट आया हम मान लें कि बिल्कुल परफेक्ट हो गया, सब कुछ सही हो गया। इट मे नॉट बी सो। दस इट इज स्ट्रांगली रिकमेंडेड दैट मोर देन वन कॉन्टैक्ट वुड यील्ड यूजफुल रिजल्ट। अक्सर ये होता है, पता नहीं जल्दीबाजी है या कोई और बात है, चाहे पेरेंट्स सोचते हो चाहे बच्चा भी सोचता, अरे डॉक्टर साहब के पास गए, हम लोग भी डॉक्टर ही कहे जाते हैं, डॉक्टर साहब के पास गए और उन्होंने देखा, बात खत्म हो गई। ऐसा नहीं है। इनिशियल कांटेक्ट में हम लोगों ने कितनी उलझने देखी, उसको समझा, उसको अप्रिशिएट किया, और हो सकता है और भी ऐसे कारण है जिसको हम पकड़ नहीं पाए, और अगर टेस्ट दे दिया, रिजल्ट को हम इंटरप्रेट कर दिए, तो मेरे ख्याल से थोड़ी गलती होगी। दूसरी बात यह है कि इन बच्चों का, इन व्यक्तियों का रिएक्शन टाइम थोड़ा स्लो होता है, थक जल्दी जाते हैं, थकने के ज्यादा ऊब जल्दी जाते हैं, ये ज्यादा अच्छा वर्ड है। तो अगर ऊब जाएंगे, थक जाएंगे, और टेस्ट कहता है कि अरे इतने सारे 4-5 टेस्ट हैं, इसमें इतना समय लगेगा, तो मुश्किल हो जाएगा। एक ही समय में, एक ही सिटिंग में अगर चाहें सब कुछ हो जाता है तो नहीं हो पाएगा। इसको आप ध्यान रखें, इसका विचार करें, और कहीं ना कहीं कम्युनिकेट कर दें पेरेंट्स और बच्चे को भी कि
एक से ज्यादा सेशन लगेगा और उसका और भी बात आगे आएगी कि किस दिशा में हम लोग सोच रहे हैं। जरा देखें दूसरे स्लाइड को, देखिएगा स्लाइड को। चाइल्ड इज ब्रॉट बाय द रिलेटिव्स टू ए न्यू सिचुएशन वेयर ही फेसेस अनफेमिलियर एडल्ट, वी आर रेफरिंग टू द चाइल्ड। When he is asked to come alone, he does not feel like detaching his relatives. Psychological test में एक बात बताते हैं कि normally expect ये किया जाता है कि हम one-to-one situation में रहें, एक psychologist रहेगा और सामने जो हमारा client या बच्चा या व्यक्ति जिसका हम intellectual assessment कर रहे हैं वो रहे, क्योंकि जितनी possible और डिस्ट्रैक्शन से उसको हम कंट्रोल कर लें तो बेहतर बात है। स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स आएगी, ओरिजिनल रिस्पॉन्स आएगा, ये हमें होना चाहिए। अगर आप याद करें अपनी बात या अपने, जब भी आप पेरेंट्स के साथ बच्चे को देखते हैं तो प्रश्न पूछा जाता है बच्चे से, समस्या रखी जाती है बच्चे के सामने, जवाब पेरेंट्स देना शुरू करते हैं या इतने इशारे करने लगते हैं कि बच्चा अपना जवाब नहीं दे पाता है। यहाँ ये मुश्किलें होती हैं तो हम लोग कोशिश ये करते हैं कि जहां तक हो अगर बच्चा पेरेंट्स को छोड़ पाए और हमारे साथ अकेले आए तो बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन संभव नहीं है। मैं तो नया हूं, व्यक्ति बड़ा हूं, मैंने उसकी उम्र से तो बड़ा हुई ही, तो इसलिए हिचकिचाहट हो जाती है, संकोच हो जाती है, नहीं आता है। अगर आता भी है थोड़ी देर बाद रोने लगता है, फिर मम्मी पापा को बुलाओ या कुछ करो, मतलब मुश्किलें आ जाती हैं। तो निर्णय लेने में जरा सा समझदारी थोड़ी करनी होगी। इनिशियली मान लीजिए हमने कितनी भी कोशिश की, कितनी भी लालच दी, जैसे कहते हैं चलो हमारे पास बहुत सारे खिलौने हैं, रंग बिरंगे ये हैं, हम लोग कुछ काम करेंगे और चलते हैं हम लोग, तो तैयार तो हो गया, खड़ा हो गया, लेकिन जब चलने लगता देखता है कि पेरेंट्स पीछे हैं तो मुश्किल हो जाती, फिर आकर बैठ जाता है और किसी न किसी तरह से कह देता कि मैं अकेले नहीं जाऊंगा, इनको भी लेकर के चलो। अब इसके बजाय कि हम वहां बैठ करके उसको फिर से मनाए, कहते चलो भाई माँ बाप भी चले या पिताजी चले या माताजी चले साथ में, लेकिन जैसे वो आते हैं तो हमारी मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि एक प्रश्न पूछेंगे, एक समस्या देंगे तो पेरेंट्स इनडायरेक्टली या डायरेक्टली उसको सपोर्ट करेंगे जिससे कि जवाब सही मिल जाए, वो गलत हो जाता है, फिर ओरिजिनल रिस्पांस या ओरिजिनल कैपेबिलिटी तो हमें मिलती ही नहीं है, बच्चे का इंटेलेक्चुअल एबिलिटी तो मालूम ही नहीं हो पाएगी, ये अड़चनियां। और कितनी भी कोशिश करो, पेरेंट्स की तो आदत होती है, पहले से ही करते चले आए, उसको सपोर्ट देते चले आए हैं, वो नहीं होना चाहिए। तो हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और कभी कभी पेरेंट्स को भी संभालना पड़ता है। कभी कभी पेरेंट्स से अपने ह्यूमिलिएशन को इसको लेते हैं, एक ह्यूमिलेटेड फील करते हैं और वो बच्चे को इस तरह से मोटिवेट करते हैं, ऐसा करते तो हो तुम घर पे, तुम तो ऐसा कर लेते हो, तो वो चीज कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन बच्चे को मिल जाती है कि इस तरह के क्वेश्चन का ये आंसर यहाँ पर दिया जा सकता है। तो ऐसा होने में एक एक्सपर्ट वो कहीं पर गलत रिजल्ट पर पहुंच सकता है, और ऐसे में सजेशन यही दी जानी चाहिए कि पहली बात तो बच्चे को अगर अलोन बिल्कुल लेकर के करें, अगर पेरेंट्स हैं भी तो वो किसी तरह से मोटिवेशन उनको प्रोवाइड ना करें, इंटरफेरेंस कम करें, जिससे कि रिस्पांस जो है ओरिजिनल आए। कभी कभी ये भी देखा जाता है कि आपने सिंपल बात पूछी, आपका नाम बताओ, तो रोहित अपना नाम बताओ ना, तुरंत पिताजी या माताजी बोल देते हैं, उसको नाम तो दे ही दिया उसने, फिर उसको सोचने का या जवाब कैसे, उसको मालूम है नाम उसका मालूम है, लेकिन सोच करके एक ने पूछा उसका जवाब कैसे दिया, यही तो हम देखना चाहते हैं, वो मौका ही नहीं देते उस सेंटेंस का किस तरह से उसने इंटरप्रिटेशन किया कि क्वेश्चन उससे आया, अब इस क्वेश्चन को किस तरह से समझना है और उसका किस तरह से जवाब देना है, यही बौद्धिक क्षमता है। या कहते हैं अरे इसका जवाब तो तुम घर पर बड़ा अच्छा देते थे, यहाँ नहीं दे रहे हो, मतलब डांट डपट ऐसी हो जाती है कि मामला गड़बड़ हो जाता है। ये मेरे और हम लोग पहले से इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चा बिल्कुल वो कंफर्टेबल फील करना चाहिए, कहीं पर अगर पेरेंट्स की थोड़ा सा इसमें कहें कि नाराजगी टाइप की फीलिंग अगर बच्चे को लग गया कि ये तो मम्मी ठीक नहीं फील कर रही है इस बात को लेकर के, तो वहां पर उसकी एक फीलिंग जो है कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती है, फिर जो एक नेचुरल रिजल्ट हम जो हम पाना चाहते हैं उसमें कहीं ना कहीं बाधा पैदा होती है। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा स्लाइड देखते हैं जरा।
साइकोलॉजिस्ट कन्वेज दैट ही हैज, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, फिर से पढ़ दे रहे हैं, साइकोलॉजिस्ट कन्वेज दैट ही हैज नाइस प्ले मटेरियल्स एंड सम टास्क विद द चाइल्ड प्रॉब्ली विल एंजॉय. ये हम लालच देते हैं उसको. द चाइल्ड इज क्विकली अट्रैक्टेड बट सून रियलाइज दैट ही विल हैव टू लीव हिज पेरेंट्स एंड क्लोज रिलेटिव. तो फिर रुक जाता है. पहले तो अच्छा लगता है कि चलो हमें अंकल जी या जो भी है वो अच्छी अच्छी चीजें डॉक्टर साहब देंगे, लेकिन बाद में फिर वो परेशानी, अरे अरे हमको अकेले जाना है, तो मुश्किल हो जाती है. क्या संभालना पड़ेगा आपको एज अ साइकोलॉजिस्ट, वो देखिए. दूसरा स्लाइड देखिए. चाइल्ड विथड्रॉज एंड मे अगेन क्लिंग टू पेरेंट्स. चिपक जाता है अब तो, हम नहीं छोड़ेंगे आपको, हम नहीं जाएंगे अकेले. इन सच केसेस the accompanying person has to be brought to the assessment session. lachari hai aapki, aur agar uske aane se humko fayda thoda sa aaram mil jata hai to karo, isko karna hai. zid mat kar lijiye aap ki nahi hum bacche ko akele le jayenge, usi se hamara matlab hai, to fir aapka purpose serve nahi ho payega. ye aap sochiye and let us see what concessions ultimately give to you. aur dusra slide dekhte hain. Though this makes child comfortable, it does add to the problems where some parents either push the child or threaten when they find that the child is not responding properly. मैंने पहले ही बात जो बात हो रही थी आपसे शेयर कर रहे थे कि पेरेंट्स के आने से, माँ या बाप या दोनों के आने से दिक्कतें और बढ़ जाती हैं, आपके लिए भी और कभी कभी बच्चे के लिए भी. आपने पूछा बच्चे से या काम दिया बच्चे को, और इनडायरेक्टली या कभी कभी डायरेक्टली वो इन्वॉल्व हो जाते हैं और कोशिश करते हैं कि उसका सही जवाब आपको मिल जाए थ्रू चाइल्ड. अब वो आप चाहते ही नहीं कभी, आप तो बच्चे की क्षमता देखना चाहते हैं, बौद्धिक क्रियात्मकता देखना चाहते हैं, वो नहीं हो पाता है. अब देखिए क्या होता है. दूसरा स्लाइड है. हाउएवर व्हेन देयर एंग्जाइटी एंड ओवर कंसर्न्स आर हैंडल्ड विद अंडरस्टैंडिंग एंड फर्मनेस, पेरेंट्स डू कोऑपरेट. आपको फर्म भी होना पड़ेगा, उन्हें बताना भी पड़ेगा कि प्लीज हमें बच्चे के बारे में जानना है, बच्चे की क्रियात्मक बौद्धिक क्षमता के बारे में जानना है, आप जरा यहां बैठे रहें और हम लोग देखते हैं क्या कर पाएंगे. तो शायद संभल जाते हैं, मान जाते हैं और कोऑपरेट करते हैं. उसमें थोड़ा समय भी लग सकता है, लेकिन पॉसिबिलिटी ऐसी है, नहीं ऐसी बात नहीं है कि नहीं हो पाता है. अब बात आती है जो हमारा दूसरा भाग है इस पूरे प्रेजेंटेशन का या डिस्कशन का, वो है जो टूल्स एडमिनिस्टर करते हैं या टेस्ट एडमिनिस्टर करते हैं टू असेस इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग ऑफ अ पर्टिकुलर चाइल्ड हु इज सस्पेक्टेड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी. देखते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन इसका टॉपिक है, सब टॉपिक है. उसमें क्या कहा गया, आफ्टर मेकिंग द चाइल्ड कोट एंड कोट कंफर्टेबल ए बैटरी ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट इज ग्रेजुअली एडमिनिस्टर्ड वन बाय वन. ग्रेजुअली देखिए, मे बी इन टू और थ्री सेशंस, पहले बात हो चुकी है इसकी, एंड ईच सेशन प्रोबेबली विल बी ऑफ 45 to 50 मिनट्स, क्योंकि अटेंशन स्पैन इससे ज्यादा होता नहीं है, किसी का भी नहीं हो सकता. बड़ों का, जो बड़े बुद्धिमान है, वो तो 3-3 घंटे पेपर देते ही हैं, हम लोग गुजर चुके हैं उससे, लेकिन इन बच्चों में, इन व्यक्तियों में इससे ज्यादा वो संभाल नहीं पाएंगे. और जबकि सिचुएशन नया है, बिल्कुल नया है, हमारे यहाँ ये कस्टम नहीं है, ये सिस्टम नहीं है कि जैसे ही हम स्कूल जाना शुरू करेंगे, जैसे हम पढ़ाई लिखाई शुरू करेंगे, जैसे हम थोड़े इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, साइकोलॉजिकल असेसमेंट शुरू हो जाता है. वेस्टर्न कंट्रीज में, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहां एक तरह से ये बन गया है, एक टाइम टेबल शेड्यूल है. हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है. जब कोई मुश्किल आती है तभी ये जरूरत पड़ती है, इसलिए ये ओरिएंटेशन नहीं है. इस नाते भी सेशन इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, और जल्दीबाजी में तो ये बात नहीं हो सकती, इसीलिए कहा गया है कि 2 or 3 sessions. अब देखिए, वाई 2 or 3 sessions, इसकी बात कही है. इट इज नोटेड दैट चिल्ड्रन, मोर सो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, लूज इंटरेस्ट वेरी सून. देयर लेवल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एंड परफॉर्मेंस एबिलिटी डिक्रीजेज आफ्टर सम टाइम, एंड दे बिगिन टू गिव अनरिलेटेड रिस्पॉन्सेज. पहला रीजन तो ये है
कि पहली बात तो थक जाते हैं, उनका इंटरेस्ट सस्टेन नहीं कर पाते हैं, और जब थक जाएंगे या इंटरेस्ट लूज करने लगेंगे तो रिस्पॉन्स अप्रोप्रिएट नहीं होगा, अनरिलेटेड रिस्पॉन्सेज देना शुरू करेंगे, विच डेफिनेटली यू डोंट वॉन्ट, इवन द साइकोलॉजिकल टूल्स डोंट रिक्वायर दैट। एक तो ये हो गया। दूसरा देखिए, क्यों दो या तीन सेशन की बात होती है, स्लाइड पे आइएगा। इट इज ऑल्सो नोटेड दैट वेन्यू ऑफ द असेसमेंट हैज इट्स ओन इफेक्ट। नई जगह है, नए लोग हैं, नया सामान सामने रखा हुआ है, नए क्वेश्चंस रखे हुए हैं, नए तरह से काम करना है। सारी सिचुएशन जब नई होती है तो हमारी बौद्धिक क्षमता में थोड़े लिमिटेशन तो आ ही जाते हैं। ए फेमिलियर सिचुएशन इज मोर कंडीसिव एज कंपेयर टू द न्यू सिचुएशन विथ क्वाइट एन अनफेमिलियर पर्सन पुटिंग डिमांडिंग टास्क। जब हम साइकोलॉजिकल टेस्ट देते हैं तो एक तरह से डिमांड होती है। जब डिमांडिंग सिचुएशन में एक डिमांड नए व्यक्ति के साथ आता है, नए सिचुएशन में आता है, तो परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि आप संभल जाओगे, थक जाओगे, बोर हो जाओगे वगैरह वगैरह। खास करके जिसकी बुद्धि थोड़ी कमजोर है उसमें ये चांसेस और हो जाते हैं। इन्हीं सब कारणों से हम चाहेंगे, कोशिश करेंगे, होता भी है कि दो तीन सेशन तो लगेंगे ही लगेंगे जितने भी अवेलेबल टेस्ट हैं वो देने के लिए। अब बात आती है कि टेस्ट अगर हम देंगे, अभी बैटरी की बात आई नहीं, कितने टेस्ट देने हैं, कौन कौन से देने हैं, हमें देखेंगे कि सीक्वेंस क्या है, किस तरह से हम हमारे मान लीजिए तीन या चार टेस्ट देने हैं तो कौन सा टेस्ट हम पहले दें, कौन सा टेस्ट लास्ट में दें, कौन सा टूल पहले हम एडमिनिस्टर करें, कौन सा टूल एंड में दें, वो जरा सा गौर कर लें तो अच्छी बात होती है। देखिए स्लाइड में आइए। नो रिजिड सीक्वेंस ऑफ द टेस्ट एडमिनिस्टर इज मेंटेन्ड, हाउएवर अटेम्प्ट्स आर मेड टू एडमिनिस्टर द टेस्ट्स इन ए सीक्वेंस विच एनेबल्स द चाइल्ड फर्स्ट टू परफॉर्म मैक्सिमली इनिशियली एंड एंड विद अ सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट। पहला जो हम देंगे प्रॉब्लम या टेस्ट इसको कहेंगे, अच्छी तरह से विद ऑल एंथुजियाज्म वो कर पाए उसको मैक्सिमली एज फार एज पॉसिबल, और जो लास्ट टेस्ट हमारा होगा उसमें उसको लगे कि यह हमने कर लिया, और उसके सामने ही लगे कि यस रिजल्ट इज क्वाइट अपेरेंट हियर। ये अगर हम सोच लेंगे तो मेरे ख्याल से हमारा जो टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन होगा स्मूथ होगा, और बच्चे की जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी का पता आसानी से लग सकता है, हमें उम्मीद है। ये सीक्वेंस करेंगे तो बड़ा अच्छा होगा। दस जरा स्लाइड पे जाएंगे, कंक्लूजन ये बताते हैं। दस स्टार्टिंग द सेशन विथ गोडार्ड फॉर्म बोर्ड टेस्ट, ये फॉर्म बोर्ड है जिसपे कि बच्चे को काम करना है और सामने उसके रिजल्ट आने लगते हैं, हम आगे बताएंगे जब उस टेस्ट की बात होगी। कंक्लूडिंग विद द ह्यूमन फिगर ड्राइंग हैज बीन रिवॉर्डिंग। स्टार्ट करो एक परफॉर्मेंस टेस्ट से, क्या होता है उसको हम बताएंगे, हालांकि यहां दिखा नहीं पाएंगे, लेकिन आप जिस इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं अगर इसका नाम लेंगे, जो अगर आप स्टूडेंट हैं, जो टीचर आपको पढ़ाते हैं, वो डेफिनेटली आपको दिखाएंगे। माफी चाहता हूं कि हमारे पास है नहीं, वरना हम दिखा देते, लेकिन क्या है वो बताएंगे जब बात आएगी। तो ये करेंगे तो मेरे ख्याल से आसानी होगी आपको भी, बच्चे के लिए भी। साइकोलॉजिकल टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन अभी कंटिन्यूड है, दूसरा स्लाइड देखते हैं क्या है। टेस्ट आर नॉट एडमिनिस्टर्ड मियरली टू गेट ए स्कोर और प्लेस द चाइल्ड ऑन ए कंटिन्यूम, बट फॉर फाइंडिंग आउट फंक्शनल लेवल इन ऑल दीज एरियाज। काउंट करिए जरा, हम एक एक करके बताते हैं। कम्युनिकेशन पावर, मैनिपुलेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, लर्निंग कैपेबिलिटीज। एक चीज किया फिर उसी को दोबारा करना है तो क्या जिस जो डिफिकल्टीज यहां फेस की क्या दूसरे ट्रायल में फेस करोगे कि नहीं, आपने कुछ याद किया कि नहीं उससे। लर्निंग कैपेबिलिटीज, बेनिफिटिंग फ्रॉम पास्ट टास्क मैनिपुलेशन, इमीडिएट मेमोरी, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, एडेप्टेबिलिटी, ईज विथ विच द टास्क इज हैंडल्ड।
कितना टेंशन आप में है बॉडीली, कितना कम हुआ है वो, ये सारी बातें हम जो टेस्ट एडमिनिस्टर करेंगे वो मिलेगा। अब यही पहले भी कहा जा चुका है कि जब टेस्ट के रिस्पॉन्सेज हम लेते हैं तो उसको स्कोर देते हैं, लेकिन ये चीजें जो गिनाई गई हैं उसको हम नोट करते हैं, जिसको हम कहते हैं बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन व्हाइल द प्रॉब्लम इज बीइंग सॉल्व्ड। जो काम दिया गया वो तो कर रहे हो, लेकिन ये सब चीजें जब आएंगी उसको हमको अलग से नोट करना पड़ेगा और उसको अलग से समझना पड़ेगा। बुद्धि है उसका किस रूप से उसका उपयोग हो रहा है, ये सारी बातें वो बताएगा। अब वही हमें चाहिए, उसी का एप्लीकेशन होगा, चाहे टीचिंग हो, चाहे कोई चीज सिखाना हो, चाहे कोई काम करना हो, इसलिए इसकी आवश्यकता जरूर पड़ती है। तो कोई भी टेस्ट देंगे ये सारी चीजें हमें देखनी है और देखी जाती है। दैट मीन्स नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। टेस्ट बिहेवियर ड्यूरिंग द सेशन इज क्लोजली ऑब्जर्व एंड नोटेड। ये नहीं कि हमने दे दिया तुम काम करो हम बैठे हुए हैं, ना, हम भी उतने ही एक्टिव होंगे। और कभी कभी इसमें नोटेड वाली बात देख लेते हैं, हमारे पास पेन और पेंसिल होती है और कागज भी होता है। इन बच्चों की बात तो नहीं है, लेकिन जो और तरह के लोग होते हैं और तरह के बच्चे होते हैं जिसको कोट एंड कोट कंपेरेटिवली सोचते हैं समझते हैं, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को जिसको हम इमोशनल इंटेलिजेंस की बात कहते थे, उनमें थोड़ा जब हम कुछ नोट करने लगते हैं तो कहते हैं तो ब्लैक एंड व्हाइट में आ रहा है सारी बातें, तो हमें और संभलना चाहिए। तो अगर आपको पहले से मालूम हो जाए कि ये बच्चा ये व्यक्ति इतना सेंसिटिव है तो आपकी नोटिंग आपके दिमाग में होनी चाहिए। ये नहीं कि वो काम कर रहा है आप नोट करते जा रहे हैं, ध्यान है ही नहीं है कैसा क्या हो रहा है। एक साइकोलॉजिस्ट के आंखें कई सारी होनी चाहिए, ध्यान कई जगह जाने चाहिए और मेमोरी तो स्ट्रांग होनी ही चाहिए। मतलब आपको सब कुछ दिमाग में रख लेना है और बाकी सेशन के बाद जाकर के सारी चीजें नोट करनी है, ये भी सोचना, लेकिन नोट करना बहुत जरूरी है। यहाँ पर ये भी बात होती है कि जब अगर हम इस तरह से कुछ नोट कर रहे हैं थोड़ा सा इस बात के चांसेस ज्यादा बनते हैं कि बच्चा कहीं प्रेशर में आ जाएगा कि मेरे बारे में पता नहीं क्या। बच्चा या व्यक्ति कोई भी होगा जब हम नोट करने लगेंगे तो वो ब्लैक एंड व्हाइट में आ गया ना, ये दिक्कत हो जाती है। इसलिए सावधानी साइकोलॉजिस्ट को बरतनी पड़ेगी, अटेंटिव रहना पड़ेगा कि किस तरह से कितना सेंसिटिव है वो व्यक्ति बच्चा या जो भी है, और सेंसिटिविटी सब में आती है। जी जी, तो दोस्तों आपने देखा कि हमारे एक्सपर्ट बता रहे हैं कि जब किसी बच्चे का या किसी पर्सन का जब इस तरह का असेसमेंट हम कर रहे हैं तो कितना महत्वपूर्ण है हमारे उस साइकोलॉजिस्ट का, जो हमारे एक्सपर्ट हैं जो बच्चे को जज कर रहे हैं, उनका अपना बिहेवियर, उनका अपना एटीट्यूड, उनके अपने बैठने की स्टाइल, हो सकता है कि देखने तक की स्टाइल का फर्क जो है हमारे बच्चे के ऊपर या हमारे उस पर्सन के ऊपर पड़ता है। इसलिए बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है कि आपका अपना बिहेवियर इस तरह से हो कि किसी भी तरह से सामने वाले बच्चे पर किसी भी तरह से स्ट्रेसफुल ना हो, किसी भी तरह से उसको दबाव ना महसूस हो। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद में इस चर्चा को जारी रखेंगे। This is Aparna. She loves chess and Shah Rukh Khan. Her best friend is Swati. She also has visual impairment. This is Neeraj. He plays many instruments. He loves Mohammad Rafi and cricket. ये कहानी सदियों पुरानी है, ये कहानी हमें सुना। He also uses crutches for mobility.
चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। दिस इज राजबाला। मेरी आंखों का तारा है तू। जीती हूँ मैं बस तुझे देख कर। With a husband and daughter. She loves cooking and watching TV. She also has cerebral palsy. Look beyond the disability. Look at the person. वेलकम बैक फ्रेंड्स, हम चर्चा कर रहे हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के ऊपर। और आपने देखा कि हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का जब भी हमको टेस्ट ऑपरेट करना होता है तो एक बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन रखनी चाहिए, जिससे कि जिसका आप टेस्ट कर रहे हैं उसका बेस्ट जो रिजल्ट है वो आपके सामने निकल करके आ सके। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर इस मुद्दे से जुड़ा हुआ आपका कोई सवाल है तो हम तक पहुंचाएं, आपके सवालों का जवाब यहां पर हमारे एक्सपर्ट देंगे। हमारा नंबर, हमारा टोल फ्री नंबर है 1-800-112-008, हमारा फोन नंबर 011-265-11611 और हमारा फैक्स नंबर है 011-265-11609। हमारी ईमेल आईडी rehabstd@ndc.vsnl.net.in और हमारी वेबसाइट www.rehabcouncil.nic.in को। जी सर, प्लीज। हम लोग अभी समझने की कोशिश कर रहे थे कि एक कंफर्टेबल सिचुएशन होनी चाहिए और साथ साथ में जो एक टेस्ट कर रहा है उस तरह उन एक्सपर्ट के लिए भी आपने बताया कि उनका बिहेवियर भी बहुत ज्यादा मायने रखता है, इसलिए उनको भी अपने बिहेवियर को बहुत ही संतुलित रखने की जरूरत है जिसके बाद में कि एक अच्छा रिजल्ट मिल सके। वेरी गुड। हम लोग चर्चा कर रहे थे बिहेवियर का या व्यवहार का या अन्य बातें जो स्कोर में नहीं दिखाई देंगी। जब हम टेस्ट देते हैं उसको स्कोर करते हैं जब आपको, तो हम आईक्यू या जो अक्सर बात आप किया करते थे आईक्यू की बात करते थे वो निकालते हैं, लेकिन उसके अलावा हमारे व्यवहार, बच्चे का अन्य व्यवहार क्या है, किस तरह का है, वो भी उतना ही आवश्यक होता है। जरा हम लोग गिन लें कि क्यों इसकी आवश्यकता पड़ती है और क्या इसकी जरूरत है। अगर हम स्लाइड की तरफ जाएं
तो असेसमेंट आर ऑल्सो एम्ड एट, एक तो स्कोर मिल गया, क्वांटिटी मिल गई कि हमको बौद्धिक क्षमता का अंक कितना मिल गया उसको, लेकिन और बातें जो आती हैं वो देखते हैं क्या है। स्लाइड पर जाएंगे, एक एक करके गिना देते हैं, उसके बाद उसको समझेंगे, बात कही भी जा सकती है। टू ऑब्जर्व चाइल्ड इन ए रिलेटिवली अनफेमिलियर सिचुएशन एंड टू सी हिज लेवल ऑफ सोशल मेच्योरिटी एंड क्वालिटी ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, नई जगह में आकर के किस तरह से अपने आप को संभाल पाता है, इसकी भी व्याख्या, इसकी समझ भी करनी पड़ेगी। दूसरा स्लाइड कहता है, इट ऑल्सो एम्स टू सी हाउ द चाइल्ड इज ट्रांसफरिंग हिज रिलेशनशिप एक्सपीरियंसेस टू अ न्यू सिचुएशन। हमारे साथ जैसा व्यवहार करेगा एक साइकोलॉजिस्ट या नया व्यक्ति जो उसके सामने है, उसके साथ व्यवहार कैसा करेगा वो निर्भर करता है उसके पुराने पहले के अनुभव, तो किस तरह से अपने पहले अनुभवों को ट्रांसफर करता है नए जगह पर नए व्यक्ति के सामने, ये भी जरूरी है, ये भी बौद्धिक क्षमता का एक पार्ट है, हिस्सा है, वो भी हम असेस करते हैं, वो भी देखते हैं। तीसरा पॉइंट है स्लाइड में, टू असेस द मेंटल एज लेवल एंड टू ऑब्टेन आईक्यू, जिसकी चर्चा आप करते रहते हैं, टू सी रिलेटिव स्टेटस। आईक्यू जो बात हम बार बार कर रहे हैं वो हम कंपेयर करेंगे उसके एज से, उनके उम्र के अन्य बच्चे का क्या स्तर है और इसका क्या स्तर है, वो आईक्यू बताता है, वो हम देखते हैं, ये हमारा अल्टीमेट एम है। फिर देखिए, टू असेस द प्रेजेंस एंड इफ पॉसिबल द सीवियरिटी ऑफ ब्रेन इन्वॉल्वमेंट affecting reading, writing and academic skills। हम ये देखते हैं कि लिखने पढ़ने और अंकों के संबंध में जो भी उनको क्रिया करनी है, जो संभालना है, जो समझना है, वो कहाँ तक प्रभावित हो रहा है because of brain damage। अगर मस्तिष्क में कहीं चोट आ गई है तो ये क्रियाएं प्रभावित जरूर होंगी, किस स्तर तक चोट आई है, किस तरह से वो प्रभावित कर रहे हैं कितना, ये भी हम देखते हैं इससे आईक्यू के अलावा। पांचवा पॉइंट है, टू इवेल्युएट चाइल्ड्स लेवल ऑफ इमोशनल मैच्योरिटी, जिसकी चर्चा बहुत की जा चुकी है, विद ए व्यू टू अंडरस्टैंड हिज बिहेवियर, कितना इमोशनली मैच्योर है, कितना इमोशनली परिपक्व उसका बिहेवियर है, वो भी हम देखते हैं किस तरह से अपने आप को संभालता है। छठा पॉइंट है, टू असेस द एप्टीट्यूड एंड रेडीनेस फॉर स्किल ट्रेनिंग। बुद्धि तो है लेकिन क्या कुछ आगे सीखने की मादा रखता है, उसकी रुचि है कि नहीं है, आगे कुछ काम कर पाएगा कि नहीं, अपने बुद्धि को ट्रांसलेट कर पाएगा किसी प्रयोजन में कि नहीं, वो भी हम देखना चाहते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमें उसे वोकेशनल ट्रेनिंग देनी है, वोकेशनल प्लेसमेंट देना है, जिससे कि वो आत्मनिर्भर हर तरह से हो पाए, ये हमारा उद्देश्य, केवल आईक्यू निकाल लेना ही हमारा उद्देश्य नहीं रह जाता है। इन सब रेफरेंस के बाद अब बात आती है कि हमारे पास है क्या, एक साइकोलॉजिस्ट के पास कौन कौन से टूल्स हैं, जो एक मेन मुद्दा है इस टॉपिक का, कि किस हथियार से किस तरह से वो असेस करते हैं, वो जरा गिना लें हम लोग तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे कि मैंने पहले बताया कि साइकोलॉजिस्ट के पास आज के दिन ढेर सारे टूल्स हैं, लेकिन ढेर सारे टूल्स की हमें एडमिनिस्टर करने की या इसका उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ ही टेस्ट हैं जिससे कि बच्चे की बौद्धिक क्षमता, व्यक्ति के बौद्धिक क्षमता, बौद्धिक स्तर का अनुमान लगाया जा सके, उसी लिए हम कम से कम 4 या 5 टेस्ट को यूज करते हैं। पहले तो गिना लेते हैं हमारे पास है क्या जो प्रचलित है, जिसका उपयोग साइकोलॉजिस्ट करते रहते हैं, उसके बाद देखेंगे कि उसमें से कौन क्यों हम यूज करते हैं। देखिए स्लाइड देखेंगे तो कह रहा है कि साइकोलॉजिकल टेस्ट बैटरी फॉर असेसमेंट ऑफ डेवलपमेंटल और इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग। इंटेलिजेंस की जब हम बात करते हैं तो छोटे बच्चों में इंटेलिजेंस का डेफिनेशन या कॉन्सेप्ट अलग है, और जो बड़े बच्चे होते हैं उनका कॉन्सेप्ट अलग है, इसलिए 2 टर्म यहां दिया गया है, डेवलपमेंटल एंड इंटेलेक्चुअल। छोटे कॉन्सेप्ट में और बात कर, अक्सर लोग चर्चा करते हैं आईक्यू की, जब बच्चा छोटा होता है, छोटा बच्चे का मतलब है लगभग 4 या 5 साल का बच्चा,
उसका हम IQ नहीं निकालते हैं, बल्कि DQ निकालते हैं, SQ निकालते हैं। इसीलिए इसको एक शब्द दिया गया है डेवलपमेंटल फंक्शनिंग और दूसरा दिया गया है इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग। तो दोनों काम के लिए हमारे पास टेस्ट जो गिनाए गए हैं, पहला तो बिहेवियरल स्केल्स होती हैं, दूसरा एडेप्टिव बिहेवियर स्केल अलग होती है, फिर ड्राइंग टेस्ट होता है, इसमें सिंपल ज्योमेट्रिकल ड्राइंग्स होती हैं, फिर गुडार्ड फॉर्म बोर्ड की चर्चा हमने पहले की है, वो फॉर्म बोर्ड होता है, क्या होता है उसको बताएंगे। फिर जब मोर स्टैंडर्ड टेस्ट है, देखिए जब हमने जब डेफिनेशन की बात कही थी, इंटेलिजेंस की डेफिनेशन की बात कही थी, तो एक का नाम आया था अल्फ्रेड बीने का। इनफैक्ट इंटेलिजेंस टेस्टिंग मूवमेंट जब हुआ यूनाइटेड स्टेट से ही शुरू हुआ है, तो ये व्यक्ति पहले थे जिन्होंने ये शुरुआत की। इन्होंने शुरुआत क्या की, इनफैक्ट छोटी सी हिस्ट्री ये है कि टीचर्स को प्रॉब्लम होता था बच्चों को पढ़ाते समय कि कुछ बच्चे तो किसी विषय को जल्दी समझ जाते थे, उसका जवाब जल्दी दे देते थे, कुछ बच्चे धीमे रहते थे, और दोनों में इतना फर्क दिखाई देता था कि टीचर परेशान हो जाते थे। तो उन्होंने कहा कि कारण क्या है, क्या करें जिससे कि हम दोनों को साथ लेके चलें और एक का नुकसान ना हो ना दूसरे का नुकसान हो। तो इनसे ये साइकोलॉजिस्ट थे, लेबोरेटरी में काम करते थे, इनके पास ये समस्या रखी गई, तो इन्होंने शुरुआत की कि चलो हम ऐसे सब्सटेंस या मेंटल सब्सटेंस का अंडरस्टैंडिंग करें जिससे कि हम पढ़ाई लिखाई में जिसकी उपयोगिता होती है, जिसको इन्होंने इंटेलिजेंस कहा, लोगों ने भी कहा। तो डिफाइन करने के बाद उस समय उतनी समझ नहीं थी, तो इन्होंने कहा कि चलो जो स्कूल टाइप एक्टिविटी होती है वो इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है, तो स्कूल टाइप एक्टिविटी को अगर हम समझ लेंगे तो हम जान जाएंगे कि एक बच्चे का इंटेलिजेंस लेवल क्या है। उन्होंने ढेर सारी एक्टिविटीज को इकट्ठा किया, उसके बाद हर एक उम्र के बच्चों को एडमिनिस्टर किया और जो अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेज है उसको कैलकुलेट किया और टेस्ट बना दिया उन्होंने, उसी का नाम है देखिए। और फिर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में उसका फाइनल रिविजन हुआ, इसीलिए उसका नाम पड़ा स्टैनफोर्ड बीने टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस। लकीली हमारे भारत में भी बीने कामत, एक कामत है कर्नाटका के और महाराष्ट्र, दो मराठी और कर्नाटक में उसका ट्रांसलेशन या एडेप्टेशन हुआ, गुजराती में नहीं, मराठी में, फिर हिंदी और मराठी में NN शुक्ला जी हैं और प्योर गुजराती में मिस्टर शाह हैं, डॉक्टर हो गए सब लोग, उन्होंने इसका किया है, तो हमारे लिए है वो टूल अवेलेबल। दूसरा, आपको याद होगा जब हम इंटेलिजेंस की डेफिनेशन की बात कर रहे थे तो बीने की बात के साथ साथ डेविड वेक्सलर की भी बात करी थी। तो अल्फ्रेड बीने के बाद और आगे चल करके वेक्सलर ने इंटेलिजेंस टेस्ट बनाना शुरू किया और आजकल इनफैक्ट सबसे ज्यादा प्रचलित इन्हीं के टूल्स अवेलेबल हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे भारत में भी उसका अडेप्टेशन हो गया है, तो उसमें कोई मुश्किल नहीं, इसीलिए उसका नाम पड़ा है वेक्सलर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन का शॉर्ट फॉर्म विस्क होता है, बड़ों के लिए वेस होता है। दो टेस्ट है इसका भी, देखिए आप हमारे इंडिया में है, उसका नाम है इसिक है, मिसिक है, और महेंद्रिका बहन भट्ट ने भी ट्रांसलेशन कर लिया है या एडेप्ट कर लिया है अपने इंडियन कंडीशन में। जब हम बात करते हैं वेक्सलर की, तो एज के हिसाब से उन्होंने टेस्ट बनाया, जैसे 0 to 6 ईयर्स का है, 6 to 16 ईयर्स का है, 16+ का है, इस तरह से एज के हिसाब से अलग अलग तीन लेवल के टेस्ट बनाए हैं। हमारे इंडियन कंडीशन में भी ये अवेलेबल है, तो आसानी से हम उसका यूज करते हैं। तीसरा, चौथा या पांचवा टेस्ट है रेवेंस कलर्स प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस। इसका हमारा एडेप्टेशन नहीं हुआ, जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हम कहते हैं कि ये कल्चर फेयर टेस्ट होते हैं, कहीं भी इसको एडमिनिस्टर करोगे तो कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होगा उसके नॉर्म्स के लिए, ये बच्चों के लिए आता है, कलर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस है। अब वोकेबुलरी टेस्ट के लिए अलग टेस्ट बनाया है जिसको कहते हैं Peabody पिक्चर वोकेबुलरी टेस्ट। बेंडर गेस्टाल्ट टेस्ट, बेंडर नाम है जिन्होंने बनाया, और इसमें डिजाइंस होती हैं, ज्योमेट्रिकल डिजाइंस, उसको हम बच्चे को एक एक करके, बच्चे या किसी को भी बताते हैं, उसको दिखाते हैं और कहते हैं उसको कॉपी करो, 9 डिजाइंस है, अगर वो कॉपी कर लेता है, कॉपी करने में जितनी डिफिकल्टीज होती हैं,
जिस तरह की डिफिकल्टी होगी उसी तरह से हम समझते हैं कि उसका ब्रेन में क्या प्रॉब्लम है, ट्रांसलेट करने में क्या प्रॉब्लम है, रीडिंग में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, राइटिंग में क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ये टेस्ट एक तरह से बहुत अच्छा टेस्ट माना जाता है। इसका मतलब एडाप्टेशन कोपिट्स ने भी किया है, जो आप देखेंगे इसमें। फिर ड्रायमैन टेस्ट बहुत ही पॉपुलर टेस्ट है। ये शुरू तो किया था गुडेनफ ने, लेकिन इसका हमारा इंडियन वर्जन मिसेस फाटक ने किया है। और इसमें कुछ नहीं होता है, सिर्फ किसी के लिए भी, खास करके बच्चों का जब इंटेलिजेंस टेस्ट करते हैं परफॉर्मेंस बेसिस पे। इसमें शब्दावली की आवश्यकता नहीं होती। हम उनसे कहते हैं कि एक व्यक्ति का चित्र बनाओ, चित्र बना देते हैं तो स्टैंडर्ड स्कोरिंग सिस्टम होता है, उसको हम स्कोर करते हैं। हर एक बॉडी पार्ट का अलग अलग स्कोर होता है, कितना उचित बनाया है, कितना ठीक बनाया है, उसके हिसाब से कितने, जैसे कान अगर हेड के साइड में होने चाहिए वहीं होगा तो उसको ज्यादा स्कोर मिलेगा, कहीं और होगा तो थोड़ा कम मिलेगा। तो इस तरह से उसके बॉडी कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं और तमाम सारी टेक्निकलिटी है उसके, हम ऑब्जर्वेशन लेवल को समझ लेते हैं किस तरह से प्रोजेक्ट करता है। तो एक इंटेलिजेंस का लेवल बहुत अच्छी तरह से, बहुत आसानी से मालूम हो जाता है। गुड स्क्रीनिंग टेस्ट जिसको कहते हैं बच्चों के लिए, और बड़ों के लिए पर्सनैलिटी टेस्ट भी है इनफैक्ट। उसके बाद जरूरत पड़ती है तो हम अचीवमेंट टेस्ट देते हैं, जिसमें कि हम रीडिंग, राइटिंग और अरिथमेटिक के लेवल को समझ पाते हैं। ये बात है। अब हम पीछे जाकर के ये देखना चाहेंगे कि इतने सारे टेस्ट हमने गिनाए, इतने सारे टूल्स गिनाए, देखे, इसमें से किसको किसको हम यूज कर सकते हैं। ऐसा कि बार बार मैं कह रहा हूं कि टेस्ट की जो हम बैटरी सेलेक्ट कर लिए, हमें कुछ तो इन्फॉर्मेशन बच्चे के बारे में पहले से ही मालूम है, क्या करना है हमारी टीम बता देती है, उसके बाद टेस्ट सेलेक्ट करते हैं। तो जैसा पहले मैंने बताया कि 3-4 टेस्ट एनफ है हमारे लिए, उससे मालूम हो जाता है बच्चे का इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, और उन्हीं 3-4 टेस्ट को देते हैं। अगर मान लीजिए कोई अड़चन पड़ी तो बच्चे को दोबारा बुला करके फिर से टेस्ट देते हैं और अंदाज लगा लेते हैं, एस्टिमेट कर लेते हैं कि उसकी इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग क्या है और किस हद तक उसको क्या क्या सिखाया जा सकता है। ये हम सजेस्ट करते हैं, जो हमारे टीचर्स होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, उनको हम बताते हैं। टेस्ट में आपने देखा होगा कि जैसे अक्सर मैंने कहा कि शुरुआत करते हैं हम ऐसे टेस्ट से जिसमें कि परफॉर्म करना होता है। ब्लॉक्स होते हैं, ज्योमेट्रिकल डिजाइन होती हैं, एक बोर्ड होता है जिसमें कि शायद 10 ब्लॉक्स होते हैं, उसको निकाल के हम अलग रख देते हैं और फिर बच्चे से कहते हैं जहां उचित फिट होता है उसको रखो। कर दिया, टाइम नोट कर लिया, फिर कहते हैं वेरी गुड, मतलब शाबाशी तो देते हैं जो भी काम किया। फिर कहते हैं एक बार और कर लेते हैं, वो कर लिया, फिर टाइम नोट कर लिया, एक बार और कर लेते हैं 3 बार। ये आज तक, आज क्या 2-3 साल पहले तक तो ये बात चली थी। हमारे एक कलीग हैं साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने देखा कि 3 ही ट्रायल से काम नहीं चलता, 6 ट्रायल दोगे तो और अच्छा रिजल्ट आएगा। अब आप देखिए, एक तो इसमें क्या सिर्फ इंटेलिजेंस की कौन कौन सी चीजें काम में आई। पहली बात तो है कि इंस्ट्रक्शन हमारा बच्चा फॉलो किया कि नहीं, उसको अप्लाई कर रहा है कि नहीं, हर एक शेप्स को रिकॉग्नाइज कर पा रहा है कि नहीं, उसको मैच करा पा रहा है कि नहीं, अपने हाथ से उठा करके पकड़ के उसको बराबर रखता है कि नहीं रखता है, कितने जल्दी कर पाता है। उसके बाद जब दूसरा ट्रायल देते हैं तो अगर मान लीजिए 1 मिनट में किया तो 45 सेकंड में कर पाता है, इसका मतलब अब सीख लिया है थोड़ा सा। तीसरी बार में और कम में किया तो जितना ही कम में कर पाएगा लास्ट में, उसी के बेसिस पे उसको स्कोर मिलता है। और स्कोर क्या मिलता है कि कम से कम जो टाइम लिया 3 ट्रायल में, उसी बेसिस पे उसका एज हम कैलकुलेट कर लेते हैं। क्योंकि हमने देखा है कि अगर इस टेस्ट को इतने कम समय में कर लेंगे तो उस बच्चे की मानसिक आयु इतनी होगी। अगर मानसिक आयु मालूम हो जाती है तो जो आईक्यू हम लोग चर्चा अक्सर कर रहे हैं, वो आईक्यू कुछ नहीं है, मानसिक आयु और वास्तविक आयु का अनुपात कहलाता है। और अक्सर डेसिमल पॉइंट को हटाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर मालूम हो जाता है कि उसकी आईक्यू इतनी है। आईक्यू के हिसाब से अगर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की बात करते हैं तो देखते हैं कि एक नंबर है हमारे यहाँ 70 नंबर।
70 नंबर से अगर 70 या 70 से कम मिलेगा तो हम इस कैटेगरी में रखते हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के कैटेगरी में रखते हैं। अगर आगे कभी मौका मिला तो हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि 70 नंबर कहाँ से आया। नॉर्मल लेवल होता है 85 to 115। आप पूछेंगे 85 या 115 कहाँ से आया, तो इसकी चर्चा अगर समय होता तो हम अवश्य करते। ये हमारे यहाँ एक टर्म है स्टैटिस्टिक्स। जब हम किसी भी टेस्ट को स्टैंडर्डाइज करते हैं तो उसका एवरेज मानते हैं 100, स्टैटिस्टिकली मैनिपुलेट करते हैं 100 मानते हैं, और स्टैंडर्ड डेविएशन में नॉर्मल से कितना डेविएशन हो जाएगा एक्सेप्टेबल है वो 15 होता है प्लस माइनस। तो आप देख लीजिए 100 अगर नॉर्मल है तो 15 माइनस करेंगे तो 85 हुआ, 15 प्लस करेंगे तो 115 हुआ। अगर एक स्टैंडर्ड डेविएशन कम या ज्यादा हुआ तब हम उसको नहीं पक्का कर सकते कि वो बच्चा डेफिनेटली इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड है, तो हम दो स्टैंडर्ड डेविएशन पर जाते हैं। कहते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग में दो स्टैंडर्ड डेविएशन से नीचे या ज्यादा हो तो उसको सिग्निफिकेंटली कम या सिग्निफिकेंटली ज्यादा मानते हैं। अगर डेफिनेशन आप लोग याद करिए इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की, तो उसमें सबसे पहली बात कही गई है कि द चाइल्ड शुड बी सिग्निफिकेंटली सब एवरेज इन जनरल इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग। ये वर्ड सिग्निफिकेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसी को अगर हम ध्यान देंगे तो 15 प्लस 15 30 हो गया, 100 से माइनस 30 करेंगे तो 70 आया। इसीलिए स्कोर को पकड़े हुए हम लोग हैं, 70 से कम होगा तो डेफिनेटली सिग्निफिकेंटली सब एवरेज जनरल इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग हुई। ये आईक्यू की बात आती है, लेकिन जैसा कि पहले बताया जा चुका है, हम लोग बात कर रहे थे कि केवल आईक्यू से काम नहीं बनेगा। आईक्यू में कौन कौन से कंपोनेंट कितना काम कर रहे हैं, आगे चल करके किस लेवल पर उन पर हमको काम करना है, ये भी हमें देखना है। वो पॉसिबल तभी हो जाएगा, हो सकता है जब उसके टेस्ट बिहेवियर को हम ऑब्जर्व करेंगे, नोट करेंगे, और उस हिसाब से जो स्कोर मिला है उसको कंबाइन करके देखेंगे, तब जाकर के हमें समझ में आ जाएगा कि उसका सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग क्या है और उसका एप्लीकेशन संभवतः क्या हो सकता है। इसमें एक बात और भी कही गई है कि ये सब तो कर लिया हम लोगों ने, लेकिन पहले भी बताया जा चुका है कि एक बार से हम समझ नहीं पाते, हर कुछ समय पर हम एफर्ट करें और देखते रहें कि कितना क्षमता में विकास हुआ है। वो बुद्धि में विकास नहीं है, क्रियात्मक क्षमता में विकास होने के चांसेस हैं, और आगे क्या किया जाए जिससे कि और अच्छा हो जाए, जिससे कि वो और आत्मनिर्भर बन सके, इसके लिए पीरियोडिक इवैल्यूएशन बहुत जरूरी है। एक बात इसमें और भी ध्यान देने लायक है, वो ये है कि हम लोगों ने चर्चा की बिहेवियरल स्केल की, उसमें बात आई थी एडाप्टिव बिहेवियर की, जो हमारे भारतवर्ष में बहुत प्रचलित है, उसको हम कहते हैं बेसिक MR। उसका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत जरूरी है। हम लोग जब बात कर रहे थे कि नए सिचुएशन में बच्चा आता है, नए व्यक्ति के सामने आता है, नई परिस्थिति में रहता है, नए प्रॉब्लम्स पे काम करना होता है, तो बहुत सारी मुश्किलें आ जाती हैं। उसको किस तरह से निपटे, उसको किस तरह से संभाले, अगर निपट नहीं पाता तो तमाम सारी व्यवहारिक समस्याएं आ जाती हैं। व्यवहारिक समस्याएं जब नहीं अगर हम हटा पाएंगे तो उसका इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग का ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा। बुद्धि तो है लेकिन व्यवहारिक समस्याएं इतनी ज्यादा हैं कि बुद्धि का उपयोग नहीं कर पाएगा। इसका ध्यान देना बड़ा जरूरी होता है। कभी और समय मिलेगा, कभी और चर्चा होगी तो हम लोग बात करेंगे बिहेवियर प्रॉब्लम्स की, कैसे होते हैं, कितना स्तर तक सामान्य है, कितना स्तर तक उसमें इंटरवीन करना होगा, ये सब देखेंगे। तो धन्यवाद सर, आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बारे में, और इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आपने देखा कि हमारे एक्सपर्ट ने बहुत अच्छे ढंग से हमें इस चीज को बताया कि किसी
बच्चे की इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को मेजर करते समय हमें बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखना पड़ता है। एक तो उन्हें बहुत अच्छी तरह से आप अच्छा माहौल दें, दूसरा आपके जो एक्सपर्ट हैं उनको भी बहुत ज्यादा एक कोऑपरेटिव माहौल देना पड़ेगा जिससे कि बच्चे के अंदर की सभी क्षमताएं सामने निकल करके आ सकें। साथ साथ में हमारे सर ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई कि कभी भी वन टाइम में हमें पूरा रिजल्ट नहीं मिलता है, टाइमली बीच बीच में हमें इस तरह के रिजल्ट पाने के लिए कंटिन्यू इस तरह के टेस्ट करने पड़ते हैं जिससे कि हमें उस बच्चे की जो फंक्शनलिटी है उसमें किस तरह की इम्प्रूवमेंट आ रही है इस बात को हम जज कर सकते हैं। और इसी चर्चा के साथ में अब हम सर को धन्यवाद देते हुए आप सभी को धन्यवाद देते हुए आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।